जी सर, कंटिन्यू करें। जी कासिम भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का प्लान बनाएं कासिम भाई, सॉरी कासिम दिमाग भी चढ़ा हुआ है। नीन भाई, सो अस्सलाम वालेकुम गाइस एवरीवन। आप लोग माशाल्लाह से ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर रमजान लाइव सेशन। अच्छा, आज थोड़ा सा चेंज हमारा ये हुआ कि हमने जो इवेंट अनाउंस करा था तो उसकी टाइमिंग आई थिंक थोड़ी सी टाइम जोन हमने गलत सेलेक्ट कर लिया होगा। मे बी कुछ इस तरह का ये टेक्निकल इशू हुआ तो उसकी वजह से इवेंट आप लोगों का कैंसिल शो हो रहा होगा। तो हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, हमने नए लिंक से लाइव आ गए हम। तो ये नया लिंक है जिस पर हम लाइव आए, लेकिन ये प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में हम इसको पहले से टैकल कर लेंगे। बाकी ये है कि हम अपना कंटेंट शुरू करते हैं जो भी हम पढ़ाएंगे आपको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटीएम का है। आज हम एक एटीएम का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें हमें ज्वाइन करा है हमारे साथ सर हमजा ने। सर हमजा अच्छा अमीन, आगे जाने से पहले पिछली वाली क्लास का रिवाइज करा दो। क्या किया था पिछली क्लास में? जी, अच्छा सर हमजा को होस्ट भी हैं और आई थिंक आप ही गए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। अच्छा, पिछली क्लास का हम रिवाइज कराते जाएं तो हमने एक रैंडम नंबर गेम बनाया था जिसमें हमने एक कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनाया था कि हमारी एप्लीकेशन जो एनपीएक्स का टूल है जब वो हम लाइव करेंगे चलाएंगे तो उसमें आपसे वो सजेस्ट करेगा, पूछेगा कि आप कोई रैंडम नंबर बताएं 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 6 तक। और जब आप उस नंबर को बताएंगे तो वो अपने एक नंबर से आपका नंबर मैच करेगा, लाइक अ डाइस। आप किसी डाइस को खेलते हैं ना, 6 नंबर होते हैं तो वो मैच करता है। तो अगर आपका नंबर उसके नंबर से मैच हो जाता है तो वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर देगा, अदरवाइज वो आपको कहेगा रीट्राई। तो ये छोटा सा गेम हमने बनाया था जिसमें हमने यही सारे टूल यूज करे, जिसमें इंक्वायर यूज करा था और टाइप स्क्रिप्ट की जो भी कॉन्फिगेशन फाइल हम बनाते हैं, इसके अलावा नोट जेएस की कॉन्फिगेशन फाइल बनाते हैं। साथ साथ हमने कुछ गिट की भी चीजें देखी थी। गिट को एक नए अंदाज में गिट हमने चलाया था क्योंकि 3 तरीके हम सीख चुके हैं अब गिट चलाने के। एक तरीका कमांड लाइन वाला, दूसरा जो सर ने आपको बताया था गिटहब डेस्कटॉप का, तीसरा जो तरीका था वो वीएस कोड वाला था। 3 तरीके आप लोगों ने सीख लिए, तो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा गिटहब डेस्कटॉप वाला आप तरीका यूज करें, उसमें बहुत ज्यादा ईजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है। उसके बाद जो गेम आप लोगों ने बनाया, माशाल्लाह से मेरे पास काफी लोगों के गेम रिसीव भी हुए हैं, एनपीएक्सी कमांड लोगों ने दिए, मैं चेक भी कर रहा था। आपके गिटहब के कोड भी मेरे पास आ गए हैं तो मैं कोड भी साथ साथ चेक कर रहा हूँ और आपका एनपीएक्स का टूल भी चेक कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हमारी इस क्लास की जो हम ऑनलाइन आ रहे हैं इनकी प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट्स के हवाले से। बस एक चीज का ख्याल रखें कि आप अपनी ना बेसिक जरूर स्ट्रॉन्ग करें, ये ना रूल ऑफ थंब बना लें कि मुझे अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है। उसकी रीजन क्या है, हम आपको अलग अलग जगहों पे मल्टीपल तरीके से चाहेंगे कि आपको बहाना देंगे पढ़ने का। जिस तरह से अभी हम लाइव आए, ये एक बहाना है ना आपको पढ़ने का। भी रमजान में सुस्ती होगी, रात हो गई, आप लोगों ने जो भी इबादत से वापस आए, तरावी भी पढ़ी, उसके बाद आप सुस्ती होती है नॉर्मली, तो आपको ये टाइम हम फिर दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आगे पढ़े, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढे पढ़ने का। एक बहाना होता है ना काम चोरी का, काम छोड़ने का, अब आप एक बहाना बनाए पढ़ने का कि कोई तरीका आपको पढ़ाई की तरफ लेके आ जाए, बस ये है। जी सर, सलाम हमजा वालेकुम एवरीवन। जो लोग मुझे नहीं जानते, सबसे पहले मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, फिर हम देखेंगे। मैं एक छोटा सा डेमो भी दिखाऊंगा कि हम जो है क्या चीज़ बनाएंगे आज, और जो है फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करें। मेरा नाम आप लोगों को दिख ही गया होगा, हमजा सैयद मेरा नाम है, और करंटली मैं गवर्नर हाउस एज ए लीड फैकल्टी 4-5 बैचेस को लीड कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है इंटरनेशनल मार्केट में मैं जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वही टेक्नोलॉजीज हैं जो आप लोग इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, आगे चल के आप लोग भी वो चीज़ें कवर करेंगे। और अगर मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं भी इस कोर्स को कवर कर रहा हूँ, मेरा भी आप लोगों की तरह ही मैं इस कोर्स से गुजर चुका। तो हम लोग भी अभी AI वगैरह और एडवांस चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को भी हम लोग पढ़ाएं। जी सर, आगे चले। जी बिल्कुल हमजा, शुरू करें। चल, अच्छा जी, आज जो हम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं ATM की, वो आप लोगों को छोटा सा एक डेमो बता देता हूँ। पहले तो ATM की एप्लीकेशन मुझे लगता है सबने ही यूज़ करी भी होगी। उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आप कार्ड डालते हैं, पिन नंबर लिखते हैं, उसके बाद जो है एंटर दबाते हैं तो आपके पास
5-6 ऑप्शंस आ जाते हैं कि भाई आपने कैश विड्रॉ करना है, आपने फास्ट कैश करना है, आपने जो है बैलेंस चेक करना है, और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने कभी चेक नहीं करे तो। लेकिन आप लोग और भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो डेमो के लिए भाई मैं चला लेता हूँ अगेन, जो हमारे पास नॉर्मली कमांड होती है TSC, आप TSC भी लिख सकते हैं, आप TSC मेन डॉट TS भी लिख सकते हैं, लेकिन TSC क्योंकि शॉर्ट है हम सिर्फ TSC लिखते हैं। एंड एंड का मैंने साइन लगाया और नोड मेन डॉट JS से मैं अपनी अपने जो आज का प्रोजेक्ट है उसको चला। तो जब ये चलेगा तो सबसे पहले तो इसने भाई मुझे अमाउंट बता दिया कि मेरे बैंक में कितनी अमाउंट है, और ये मैंने PKR में नहीं लिखी है, ये मैंने डॉलर में लिखी है, तो हम डॉलर्स में ही चलेंगे। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये हमसे पूछ रहा है कि भाई एंटर योर पिन नंबर। तो पिन नंबर जो है मैंने पहले से सेट किया हुआ है, कैसे करें वो अभी हम देखेंगे, बट जो है मैं सही पिन नंबर डाल देता हूँ, 4-4-3-3-4-4-1 एंटर। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई कैश को विड्रॉ करना है या बैलेंस को चेक करना। तो फिलहाल मैं जो है कैश विड्रॉ करके देखते हैं कि भाई क्या होता है। विड्रॉ पे जब मैं जाता हूँ तो अब वो मुझसे पूछता है भाई जितनी अमाउंट आपने विड्रॉ करनी है वो अमाउंट डाल दें। नोट करें मेरे पास जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है, 10,000। तो उसमें से भाई मुझे कितने विड्रॉ करना है, मैं 1,000 लिख देता हूँ। 1,000 लिखते ही जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो होना ये चाहिए कि जो मेरी अमाउंट है उसमें से डिडक्ट हो जाने चाहिए 1,000। तो मेरी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप लोगों के सामने शो रही है, 1,000 जो है वो मैंने विड्रॉ कर। इसी तरह से अगर मुझे बैलेंस चेक करना हो तो उसके लिए मैं वही सेम कमांड चलाऊंगा, और यहाँ पर आके जो है मैं अपना सेम पिन नंबर 5-5-3-3-4-4-1, अगर मैं गलत डालूंगा तो वहाँ पे मुझे इनकरेक्ट का मैसेज भी शो हो जाएगा। अच्छा, चेक बैलेंस पे मैं जाता हूँ, चेक बैलेंस पे जैसे ही मैं जाता हूँ मुझे जो है मेरी करंट जो भी अमाउंट है वो पता चल जाएगी। तो आज की हम जो सेशन है उसके अंदर यही चीज़ बनाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। अच्छा, मुझे ये कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है, साइड के ऊपर से। सही है, चैट पे भी मुझे यस यस ठीक है, ओके। तो भाई इसको हम कर लेते हैं साइड पे और चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ। एक काम करता हूँ, मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, ATM में इस फोल्डर का नाम रख देता हूँ, और बिल्कुल शुरू से हम जो है बनाएंगे। क्या करेंगे भाई, एड्रेस बार पे आएंगे और जो है यहाँ पर आके मैं लिख दूंगा CMD। CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे आके मैं यहाँ पे लिखूंगा कोड स्पेस डॉट। जब मैं इसमें एंटर कर, अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मैं सिर्फ कोड लिखूंगा चैट पे मुझे आपका जी सिर्फ VS कोड ओपन हो जाएगा, लेकिन हमें VS कोड खोलना है कौन से फोल्डर में, इस डॉट डॉट लगाने से ही होता है, करंट फोल्डर में आपका VS कोड खुल जाता है। और ये आप लोग अपनी क्लासेस में भी कर चुके हैं, जो लोग छोटी मोटी गलतियां करते हैं उनके लिए मैंने ये वापस बता दिया। अच्छा जी, तो प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए मैं अपनी मेन मेन जो फाइल्स हैं जो हम प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे वो मैं बना लेता हूँ। जैसे मेन जो हमारे पास फाइल है वो है main.ts, एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होनी चाहिए, एक मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होनी चाहिए। उसके अलावा कौन कौन सी फाइल होती है जी, मुझे अगर टाइप स्क्रिप्ट की सेटिंग्स को चेंज करना है तो उसके लिए कौन सी फाइल यूज करूंगा, tsconfig.json। कैसे बनाते हैं, मैं अपना टर्मिनल, मैं बाहर वाला टर्मिनल ही यूज कर रहा हूँ। अच्छा, वो एप्लीकेशन मैंने बंद कर दी, चले खैर, बाहर वाले ही टर्मिनल में यूज कर रहा हूँ, tsc-w, नहीं tsc-init। ये हमारे पास कमांड है जो हमारे पास tsconfig की फाइल बना देगी, और वो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम टाइप स्क्रिप्ट की सेटिंग्स को चेंज कर सकें। जैसे हम चाह रहे हैं कि भाई टाइप स्क्रिप्ट का हम लेटेस्ट वर्जन यूज करें, तो
उसके लिए हम सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई टाइप स्क्रिप्ट का फला फीचर नहीं चले, तो उसके लिए हम टीएस कॉन्फिग से चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने टीएस कॉन्फिग की फाइल बना ली। जी दूसरी फाइल कौन सी है? पैकेज डॉट जेसन। कैसे बनेगी पैकेज डॉट जेसन की फाइल? कैसे बनेगी भाई? npm init, सिर्फ ये भी एंटर दबाऊंगा तो मुझसे सवालात करेगा कुछ, लेकिन जो है मैं माइनस माइनस यस कर देता हूँ, या आप माइनस वाई भी कर सकते। तो हमारे पास पहले चेक कर लेते हैं, देखना है ts config की फाइल बन चुकी है पिछली वाली कमांड से। अब जो है हम पैकेज डॉट जेसन वाली कमांड चलाने वाले, और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं ये जब हम इंक्वायरर वाले स्टेप में आएंगे तो हम चेक करेंगे। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो हमारे पास अभी दो फाइल्स आ चुकी, तो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। कुछ और करना है मुझे स्टार्ट करने से पहले टीएस कॉन्फिग में जाके? टीएस कॉन्फिग में जाके क्या चीज चेंज करनी होती है मुझे? टाइप स्क्रिप्ट की कुछ सेटिंग्स हैं उनको मुझे चेंज करना। बेसिकली मुझे टाइप स्क्रिप्ट की जो लेटेस्ट चीज है वो मुझे यूज करनी है, तो उसके लिए मैं आऊंगा अपनी टी एस कॉन्फिग की फाइल के अंदर। यहाँ पे आपके पास लाइन नंबर 40 के अंदर टारगेट जो है ES 2016, मतलब पुराना वर्जन। मैं इसको कर देता हूँ ES 2022 कर दें, या 2020 भी चल जाएगा, मैंने 2022 कर। पहली चीज़ ये चेंज हुई। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम और नीचे आएंगे और हमें मिलेगा ये मॉड्यूल जिसको हमने सेट किया हुआ है कॉमन जेएस के अंदर। अच्छा, मॉड्यूल का जो टॉपिक है हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों की क्लास में इसका बकायदा सेशन कुछ क्लासेस में हो गया होगा, कुछ क्लासेस में होगा, तो परेशानी वाली बात नहीं है, हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, मॉड्यूल इसको मैं क्या सेट कर दूं? नोड नेक्स्ट। और क्या चेंज है भाई? मॉड्यूल रेजोल्यूशन। तो लाइन नंबर 30 के अंदर आपने आके मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी नोड नेक्स्ट कर देना। ये हम अब तक की जितनी क्लासेस हैं उसमें करते हुए आए हैं, तो आपने हर हर प्रोजेक्ट के अंदर ये वाली चीज़ लाजमी करनी है, ताकि हम टाइप स्क्रिप्ट के जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकें। सेव करता हूँ मैं फाइल को। ऑटो सेव पे मैंने नहीं लगाया हुआ, आप लोगों के पास प्रॉबेबली लगा हुआ होगा। सेव कर दिया मैंने फाइल को, इसको बंद कर दिया। अच्छा, एक और चीज़, कुछ लोगों के पास इस फाइल के अंदर एक वार्निंग आती है, मतलब यहाँ पे येलो कलर का आपकी बेसिकली फाइल हो जाती है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। वो बेसिकली कुछ नहीं है, आपके पास कभी कभार टीएस कॉन्फिग के अंदर वो वार्निंग आती है, वो आप बंद करके वीएस कोड बंद करके वापस खोलेंगे वो चली जाएगी, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर येलो कलर की कुछ आ रही है तो भाई वो वार्निंग। दूसरी गलती आप लोग ये करते हैं, ये जो ES 2022 लिखा है ना, यहाँ एंड में कॉमा नहीं लगा था। याद रखें कॉमा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आज की क्लास में भी इसकी वैल्यू डिस्कस करेंगे। कॉमा बेसिकली यूज होता है किसी भी दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, तो कॉमा लगाना भाई लाजमी है, दो ये आप लोग जो है बहुत ज़्यादा एरर्स करते हो। सेव करते हैं, टी एस कॉन्फिग को बंद कर दो। अब क्या करूं? लास्ट क्लासों में पढ़ा था ना, कोडिंग करना स्टार्ट कर दूं। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक और जगह आपने चेंज करनी है, ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाई है ना, इसमें आके आपने ये जो मेन लिखा हुआ है इसके बाद आप आकर यहाँ पे ऐड कर दो टाइप मॉड्यूल। सही लिखा है? सही है, आगे चले। क्या गलती करी है? देख रहे हैं आपने, मैंने टाइप्स लिख दिया गलती से, तो टाइप के अंदर आप लोगों ने टाइप्स नहीं लिखना, ये भी गलतियां कर दी। ये वही गलतियां जो मैंने क्लासेस में नोट करी, टाइप लिखना है। तो टाइप मॉड्यूल आपने सेट किया, सेव कर दिया इसे भी, बस ये आपका प्रोजेक्ट का सेटअप हो गया। अब हम कोडिंग की तरफ जा सकते, लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पे मैंने टाइप मॉड्यूल जो सेट किया है, ये टाइप मॉड्यूल
का क्या कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूल क्यों इतना यूजफुल है, और ये आप लोग जो क्लासेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये क्या चीज है, थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम जो है कोडिंग की तरफ चलते हैं। उसके लिए भाई मैं एक टूल है मेरे पास एक्सेल ड्रॉ, यहाँ पे हम जो है इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि भाई मॉड्यूल्स यूज करने का फायदा क्या, मॉड्यूल्स होते क्या है। अच्छा इमेजिन करें आप लोग एक बुक पढ़ रहे हैं और उस बुक के अंदर जो है पूरी बुक जो है एक पेज पे लिखी, पूरी बुक आपकी एक पेज पे लिखी हुई है, क्या आप उस बुक को रीड कर सकते हैं, क्या आप उसको समझ सकते हैं? मुश्किल होगी, क्योंकि जाहिर है एक बुक एक ही पेज पे आ गई तो उसको रीड करना बहुत मुश्किल है। क्या हो अगर जैसे आपके पास होता है बुक्स डिफरेंट पेजेस में होती हैं ताकि आप उसको आसानी से रीड कर सकें और आसानी से पढ़ सकें, यही कॉन्सेप्ट मॉड्यूल्स का। बुक वाली एग्जाम्पल में जो आपके पेजेस है ना वो मॉड्यूल्स का काम कर, हर पेज के अंदर अलग चीज लिखी। अगर मैं पूरी बुक में से बीच से एक पेज फाड़ दूं क्या बाकी पेजेस को कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं पड़ेगा। तो बुक्स में से अगर मैं एक पेज फाड़ दूं तो बाकी पेजेस सही रहेंगे, उनका कंटेंट सही रहेगा। इसी तरह मॉड्यूल्स का भी कॉन्सेप्ट, मॉड्यूल्स के अंदर अगर आप विदाउट मॉड्यूल कोड कर रहे हो ना, मॉड्यूल्स नहीं बना रहे आप चाह रहे हो भाई मैं मॉड्यूल्स के बगैर काम करूं, तो आप क्या करोगे, एक फाइल बनाओगे जैसे हमने भी बनाई है मेन डॉट टी एस की, उसके अंदर सारा कोड लिख लोगे। अब वो 1000-2000 लाइनों का हुआ तो आपके पास कैसे आप उसको मैनेज करें, नहीं कर सकते ना, बहुत मुश्किल होगी। ये जो लाइनें मैंने डाली हैं ये कोड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा फर्ज कर लेते हैं कोड लिखा हुआ। अब इस फाइल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो है इसको मेंटेन करना और रीड करना मुश्किल है। मॉड्यूल्स हमें क्या कहता है, मॉड्यूल्स कहता है, मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि भाई आप एक फाइल के अंदर कोड नहीं लिखो, आप एक फाइल को डिवाइड कर दो डिफरेंट फाइल्स के अंदर इस तरह से। तो मैंने तीन अलग अलग फाइल्स बना दी और ये जो मेरे पास इतना बड़ा कोड लिखा हुआ था ना 12-13 लाइनों का, उसको मैंने जो है डिफरेंट फाइल्स के अंदर रखा। अब इससे फायदा ये हुआ कि भाई अब मुझे जो है ना इतनी सारी लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ छोटी सी मैंने लाइनें लगाई हैं, आपके कोड में हजारों लाइनें होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमने जो है इस कोड को डिफरेंट फाइल्स के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, इसको हम मॉड्यूल कहते हैं। अच्छा जी इससे फायदा क्या हुआ भाई, इससे फायदा ये हुआ, यहाँ पे मैंने एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। एक इजी टू रीड एंड मेंटेन, अगर मुझे कोई चीज चेंज करनी है तो मैं आराम से उस फाइल में जाके चेंज कर सकता हूँ, बाकी फाइल्स को मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, आइसोलेटेड का ये मतलब है कि अगर किसी फाइल में कोई मसला आ जाता है, इस फाइल में कोई मसला आ गया तो मेरी बाकी की जो दो फाइल्स है ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेरे पास चलती रहेंगी। तो ये भी एक फायदा है मॉड्यूल्स यूज करने का, जबकि इस केस में अगर मसला आता तो पूरी पूरा आपका कोड नहीं चलता। तो ये हमने एक चीज देखी, कैन बी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजिली, इसका क्या मतलब, इसको मैं वापस साइट पे ले जाता हूँ। मुझे ये बताएं इस केस में तो हमारे पास एक ही फाइल है, तो अगर मुझे चलानी हुई तो मैं एक ही फाइल चलाऊंगा मेन डॉट टी एस की, ऐसा ही है। लेकिन इस केस में तो भाई तीन फाइल है, चलाऊंगी इसको। और एग्जांपल मैंने कैलकुलेटर बनाया, ये वाली फाइल के अंदर मैंने एडिशन वाला कोड लिख लिया, ये वाली फाइल के अंदर सब्ट्रैक्शन वाला कोड लिख लिया, और ये वाली फाइल के अंदर मल्टीप्लीकेशन वाला कोड लिख लिया। अभी हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ दी है, थ्योरी के बाद आप लोगों को क्लासेस में यही वाली चीजें डिटेल में कराई जाएंगी प्रैक्टिकली। अच्छा तो भाई चलाएं कौन सी फाइल को, चलाने का ये तरीका है कि भाई आपके पास एक मेन फाइल होगी जिसको मैंने पहले से बनाया हुआ ताकि हम थोड़ा टाइम बचा सकें, ये रही। आपके पास एक मेन फाइल होगी जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने मेन डॉट टी एस रख दिया,
इस मेन फाइल के अंदर आप जो है इन सारी फाइल्स को क्या कर रहे होंगे, इंपोर्ट करा रहे होंगे। दरामदात बरामदात पड़ा है ना, ये बताएं दरामदात कौन सा वाला होता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? इंपोर्ट होता है। हाँ एक्सपोर्ट, यार कोई एक्सपोर्ट भी बोल रहा है, ज्यादातर लोग इंपोर्ट कह रहे हैं, तो हम भाई इंपोर्ट की तरफ जा। तो हम क्या कर रहे हैं, तीन फाइल्स के अंदर हमने कोड लिखा और उन तीनों फाइल्स को हमने यहाँ मेन डॉट टी एस के अंदर इम्पोर्ट करा दिया। अब हम जब चलाएंगे ना तो मेन डॉट टी एस की फाइल चलाएंगे, तो आपके पास जो इन तीन फाइलों का कोड होगा वो भी चल जाएगा। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना भी इसमें बहुत आसान है और आपका कोड काफी क्लीन हो जाता है। चलते हैं भाई अपने टॉपिक की तरफ। ये था मॉड्यूल का थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया, ताकि हमें पता हो कि भाई जो हम लिख रहे हैं वो क्या चीज़ है। और ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आप हर प्रोजेक्ट से पहले, जो अभी हमने तीन क्लासे ली हैं, उससे पहले आप जो है क्या चीज़ इंपोर्ट कराते हैं, इंक्वायरर। अब मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ अभी मैंने आपको डायग्राम में बताई, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज मैंने आपको डायग्राम पे बताई, क्या मेरा जो इंक्वायरर, ये जो मैंने इम्पोर्ट किया है, ये मेरे पास मॉड्यूल है या नहीं? नो नो, ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं भाई, ये मॉड्यूल नहीं है। ऐसा ही है, इतने सारे लोग कह रहे हैं नहीं है। अच्छा माउस लेके जा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्या लिखा हुआ आ रहा है? कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल इंक्वायरर, मतलब इंक्वायरर भी आपके पास एक मॉड्यूल है। अब डिफरेंस है, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इंक्वायरर खुद बनाऊं, लेकिन उसमें मसला ये आएगा भाई, मुझे इतना सारा कोड लिखना पड़ेगा पहली चीज, उसके बाद मुझे चेक करना पड़ेगा भाई सब चीजें सही हैं या नहीं। तो मुझसे पहले डेवलपर्स ने ये काम किया हुआ है, इंक्वायरर का जो कोड है ना वो पहले से लिखा हुआ है। डेवलपर्स क्या करते हैं, इस तरह के आपके मॉड्यूल्स बनाते हैं ताकि दूसरे डेवलपर्स यूज कर सके। इंक्वायरर का भी किसी ने मॉड्यूल बनाया, और उस मॉड्यूल को कहाँ पे पब्लिश किया, एनपीएम। एनपीएम की फुल फॉर्म क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। तो डेवलपर्स क्या करते हैं, अपने पैकेजेस बनाते हैं और उसको एनपीएम पे पब्लिश कर देते हैं ताकि दूसरे डेवलपर्स उन पैकेजेस को यूज कर सकें। वरना क्या होता, हर बंदे को बार बार इंक्वायरर का कोड लिखना पड़ता, तो वो टाइम ज्यादा लग जाता। तो आप लोग भी अपना पैकेज बना के एनपीएम पे पब्लिश कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग उस पैकेज को यूज कर सकें। तो ये हमारा जो मॉड्यूल है, ये जो हमारा पैकेज है, इसको मैं मॉड्यूल भी कह सकता हूँ, इसको मैं पैकेज भी कह सकता हूँ। ये जो हमारा मॉड्यूल है, पैकेज है इंक्वायरर, ये तो हमारे पास एनपीएम पे रखा हुआ है। यहाँ पे कैसे लाऊं, मेरा जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट पे कैसे लाऊं? चौक भी एक लाइब्रेरी है, तो उसमें परेशान नहीं होना, जिनको नहीं पता वो भाई अभी इग्नोर कर, इंक्वायरर और टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा भाई इंक्वायरर तो यहाँ एनपीएम में रखा हुआ है, मैं अपने कंप्यूटर में कैसे लाऊं? सिंपल सी कमांड है, आपने टर्मिनल पे आके इसको इंस्टॉल कर लेना है, npm इंस्टॉल इंक्वायरर सिंपल। और मेक श्योर करनी है स्पेलिंग सही लिखी हो, मुझे बड़ी मुश्किल से इसकी स्पेलिंग याद हो गया। तो इंक्वायरर npm इंस्टॉल इंक्वायरर एंटर। अब ये देखें लोडिंग हो रही है, लोडिंग ये बता रही है कि भाई इंटरनेट के थ्रू वो npm से जाके मेरी जो है, मेरा इंक्वायरर का पैकेज इंस्टॉल कर रहा है मेरे पास। जैसा आपने वीएस कोड इंस्टॉल किया था वैसे इसने इंक्वायरर इंस्टॉल किया है, बट ये कमांड से होता है। कौन सा फोल्डर आ गया भाई, डायग्राम पे वापस आते हैं। यहां से मैंने इंक्वायरर का पैकेज पर्स कर लेते हैं भाई, हमारे पास इंक्वायरर है, इंक्वायरर का पैकेज मैंने एनपीएम से इंस्टॉल करके अपने पास ले आया।
अपने कंप्यूटर में ले आया, अपने मेन डॉट टी एस की फाइल के पास ले आया, लेकिन ये रखा हुआ कहाँ होगा? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा। इंक्वायरर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नोड मॉड्यूल्स का जो आपका फोल्डर है, इसके अंदर रखा होता है इंक्वायरर। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये और भी बहुत सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं भाई? इंक्वायरर जो है ना, इंक्वायरर वाले भी बड़े चालाक हैं। इंक्वायरर क्या कर रहा है? इंक्वायरर खुद किसी और के पैकेजेस यूज करके इंक्वायरर बना रहा है, ताकि जो है जल्दी बन सके और ज्यादा से ज्यादा फीचर्स आपको मिल सके। तो खैर, इतने सारे पैकेजेस को हमने डिस्कस नहीं करना है, हमने बस ये चीज समझनी है कि जो आपने इंक्वायरर इंस्टॉल किया है, वो आपके पास नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर है, इसके अंदर आके आपके पास स्टोर हो। इसका नाम मैं रख देता हूँ नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपके पास आ गया। अब अगर मुझे इसको इंपोर्ट कराना है, तो मैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो भी चीजें होती हैं उसको सिंपली मैं इंपोर्ट करा सकता हूँ इस तरह से। इंपोर्ट इंक्वायरर नाम कुछ भी रख सकते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करना है? इंक्वायरर उसका नाम है, तो इंक्वायरर से ही इंपोर्ट करना। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया भाई, लेकिन अभी भी एरर आ रहा। जी क्या मसला है? हम क्या यूज कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं? टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं? टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहा है। तो टाइप स्क्रिप्ट जब हम यूज कर रहे हैं, तो इंक्वायरर की टाइप्स कौन इंस्टॉल करेगा? तो इंस्टॉल करने का सिंपल सा तरीका है भाई, माउस लेके जाओ। आप माउस लेके जाओगे ना, इस पे होवर करोगे, आपको सब चीजें पता चल जाएंगी क्या मसला है इस पे। तो यहाँ पे ये बता रहा है, देखें, देख के इसको मैं तो शुरू में घबरा जाता था यार, ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब आप गौर से पढ़ते हो ना इसे, तो आपको समझ आता है यार सही सही कह रहा है। ये चीज मैंने कॉपी करनी है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्वायरर की टाइप्स को इंस्टॉल कर। अब इसमें एक और टॉपिक है, डेप डिपेंडेंसी, जो आप लोग क्लासेस में, अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एनपीएम इंस्टॉल अभी के लिए समझे कि टाइप्स, इंक्वायरर के टाइप्स हमने इंस्टॉल कर। और इंस्टॉल आपने पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आई भी लिखो तब भी ये चल जाएगा। एंटर दबाते हैं, फिर से हमारे पास इंस्टॉलेशन होगी। और ये इंस्टॉलेशन होने के बाद हमारा जो ये वाला पैकेज है, हमारा जो ये वाला मॉड्यूल है, वो कहाँ पे स्टोर होगा? जी कहाँ पे स्टोर होगा, जल्दी बताएं। नोड मॉड्यूल्स के अंदर। कौन कह रहा है भाई? बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन आकाश आमिर ने कहा है नोड मॉड्यूल्स, महक ने कहा है नोड। तो जो पहले पहले भी जवाब देंगे भाई, उनको हम शाउट आउट देंगे। तो खैर आगे चलते हैं। तो भाई ये वाली चीज आपने इंपोर्ट कर ली। एक और चीज भाई, ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है ना, ये एरर नहीं है। इसको देख के परेशान नहीं होना, वैसे तो आप लोगों के पास नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई स्मार्ट बंदा है जो जिसने पहले से कुछ चीजें इंस्टॉल करी हुई है, उनके पास आ रहा होगा भाई, ये एरर नहीं है। अच्छा जी, तो आपने बस सिंपली क्या करना है, इम्पोर्ट कर। अब मेरे पास जो डेमो था उसको मैं वापस खोल लेता हूँ यार, वो गलती से बंद हो गया। CMD, ये रहा मेरे पास वो डेमो। इसको जूम कर लेता। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था TSC एंड देन नोड मेन डॉट JS। अच्छा एक और चीज, अगर आपने सिर्फ TSC से चलाना है ना, तो याद रखें tsconfig.json की फाइल होना लाजमी है, वरना ये नहीं चलेगा। वरना आपने फाइल का नाम लिखना पड़ेगा ऐसे, नो मेन डॉट ts। तो हमारे पास tsconfig की फाइल है, तो हम सिंपल TSC लिखते हैं और आगे की चीज लिख लेता। दो कमांड्स हम एक साथ चलाने के लिए एंड का साइन यूज कर रहे हैं, एंटर दबाता है। तो पहली चीज ये मुझे क्या शो करेगा? पहली चीज ये मुझे शो कर रहा है बैलेंस, कि मेरे पास कितना बैलेंस है। उसके अलावा मुझे, जब आप लोग ATM में जाते हैं, तो एक तो आपके पास बैलेंस होता है, दूसरी चीज आपके पास एक पिन कोड होता है, तीसरी चीज कार्ड भी होता है, लेकिन कार्ड जो है वो कहीं डाल नहीं सकते। तो हम जो है सिंपल यहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा क्या करें भाई, एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ जिसमें मैं अपना बैलेंस लिखूँ, माई
बैलेंस वेरिएबल का नाम लिखा, मीनिंगफुल नाम रखेंगे, इक्वल्स टू बैलेंस मैं लिख देता हूँ 10,000 अगेन डॉलर। तो बैलेंस मैंने रख दिया 10,000 डॉलर्स। अभी तक हमने थ्योरी डिस्कस करी थी, अब हमारी कोडिंग स्टार्ट हो रही है। सर आपने कुछ इंक्लूड करना है आगे चले? नहीं नहीं आगे चले हम लोग। सही है सही। अब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आजकल, अच्छा जी, तो भाई पढ़ाने ये की मैंने क्या, पढ़ाने की जड़ ये होती है कि दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, और ये बड़ा बिल्कुल मुश्किल ऐसे होता है, बात है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम लोग खेलते रहते हैं ना इस चीज़ से, तो हमें बड़ी आदत हो जाती है एक चीज़ कि यार ये तो बच्चों वाली चीज़ है। जब मैं पढ़ता था ना, मुझे भी पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती थी, तो मुझे जी आइडिया है कि किस लेवल के स्टूडेंट्स हो सकते। तो खैर जी जी शुरू करते हैं भाई। दूसरी चीज मेरे पास क्या चीज है भाई? पिन कोड। पिन कोड के लिए भी मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, क्योंकि आप एटीएम में जाते हैं, कार्ड डालते हैं और पिन कोड डालते हैं सबसे। तो हम हमारा जो डेमो है उसके अंदर भी देख लेते हैं, सबसे पहली चीज वो पिन कोड मांगा। तो पिन कोड, आपने पहले अपना पिन कोड कहीं ना कहीं सेट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, अपना पिन कोड एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, माई पिन, और मैं रख देता हूँ 1234। वन टू थ्री फोर मैंने रख दिया। अब ये मैंने डिसेबल कर दिया है, वरना आप लोग पूछते रहते हैं सर ये क्या नई चीज़ है। तो आप लोग जो है, ये जो कोड कंप्लीशन आ रहा है, ये आपके पास एक टूल होता है, बट आप लोग इस लेवल पे यूज नहीं करना है, पहले सीख लेते हैं। इसको डिसेबल कर लेता हूँ भाई मैं। हाँ अब ठीक है। तो ये दो मैंने वेरिएबल्स बना दिए, जिसके अंदर जो है मेरा बैलेंस है और ये मेरा पिन कोड। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहली चीज, एंटर योर पिन नंबर। इंक्वायरर टू यूज होता है, आप लोग पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एक और रिव्यू कर लेते हैं। इंक्वायरर जो है ना, बिल्कुल आपकी बेगम की तरह, मतलब आप लोगों से सवाल करता है कि भाई लेट क्यों आए, कि भाई ये नंबर किसका है। तो इस तरह से आपसे सवाल करता है। अच्छा, मेरे जो कुंवारे भाई बैठे हैं वो उदास ना हो, आप लोगों के लिए दूसरी एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि भाई आप लोग रेस्टोरेंट पे जाते हैं फैमिली के साथ, वहां पे जाके आपसे वेटर जो है, वेटर इंक्वायरर है, वेटर आके आपसे बोलेगा कि भाई आपने क्या ऑर्डर करना है। वेटर आपसे पूछ रहा है, आप उसको जवाब दोगे भाई मुझे फला चीज ऑर्डर करनी। तो वेटर क्या करेगा, आपके जवाब को लेगा, आगे जाके किचन में लेके जाएगा और उसको प्रोसेस करेगा, और आप शेफ को देगा, आपका ऑर्डर तैयार होगा, और आपको जो आपका ऑर्डर तैयार हुआ है उसको वापस लाके दे देगा आप। तो बिल्कुल वैसे ही है इंक्वायरर भी, कि आप यूज होता है सवाल पूछने के। तो लेकिन हमें इसको सेट करना पड़ता है, बाकी चीजें तो जैसे बेगम वाली एग्जाम्पल में तो खुद ही से सेटअप हुआ भाई, यहाँ पे हमें सेटअप करना पड़ता है। अच्छा कैसे करें भाई, आप लोगों ने सब में पहले भी किया होगा, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अभी मैंने वेरिएबल नहीं ऐड किया, राउंड ब्रैकेट्स लगाए। अब इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग कोई चीज ऐड कर दो। अब वो चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये कर्ली ब्रैकेट लगते हैं आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं। तो उसको हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर वापस इस पर आप आ जाओ भाई। हम लोग आते हैं, कुछ फिर से बनाते हैं, पहले बनाया था लेकिन तो फिर से बना। आप लोगों ने सब ने कभी ना कभी एग्जाम दिया होगा किसी ना किसी चीज का। तो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल भाई, आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, मैट्रिक के एग्जाम के अंदर आपके पास एग्जाम शीट के ऊपर सबसे टॉप पर क्या आप डायरेक्शन स्टार्ट कर दे दो? नहीं, सबसे पहले आप लिखते हो नेम, रोल नंबर, और हम कर लेते हैं सब्जेक्ट। नेम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, ये तीन चीजें आप टॉप पर लिखोगे। अगर आप ये नहीं लिखते
तो क्या होगा भाई, आप अगर इसको सबमिट करोगे तो जो आपका एग्जाम चेक कर रहा है वो आपके पेपर को रिजेक्ट कर देगा, तो हमने हमें उस पर कर देगा। सेम इंक्वायरर वाले केस में पर आप उस चीजें मांगी है ना, रिजेक्ट कर देगा आपका कोड, नहीं चलेगा बेसिकली। आप सब्जेक्ट मुझे चैट पे लिख के जल्दी से दें, कैसे लिखेंगे आप लोग? हो सकता है कुछ लोग इस तरह से लिखें, मैंने बोला नेम इज अ, तो छोटा कर देता हमजा कॉमा, कॉमा लगा के मैंने लिख दिया भाई रोल नंबर 1 2 1 2 3 4 5, मैंने रोल नंबर लिख दिया, कॉमा सब्जेक्ट मैंने लिख दिया सिंधी, आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट, जो आज तक मुझे नहीं पता कि क्या पढ़ी थी हमने, तो तीन चीजें मैंने लिख दी। क्या ये तरीके से आप लिखते हैं? अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो भाई नहीं होगा, उसको समझ ही नहीं आएगा आपने क्या लिखा है। तो मैं देख रहा हूँ चैट में कुछ लोगों ने लिखना भी स्टार्ट कर दिया भाई कैसे लिखते हैं, तो मैं किसी का कॉपी करता हूँ, शुहेब या सुहेब ने लिखा है कि भाई आप ऐसे नहीं लिखते, आप लिखते हो इस तरह से, तो बड़ा उसको छोटा कर देता, आप लिखते हो इस तरह से, ऐसे ही है सभी इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, सा रोल नंबर लिख देता हूँ, रोल नाम जो है ना मैं स्मॉल में लिख, हम एक प्रैक्टिस फॉलो करेंगे हर चीज। कैमिल केस में लिख, कैमिल केस के अंदर आपका पहला वर्ड जो है वो स्मॉल में लिखा जाता है, आप लोग ऐसे लिख देता हूँ। रोल नंबर के अंदर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, सब्जेक्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ सिंधी, ज्यादातर लोग ऐसे ही लिखते हैं, मेरे ख्याल से सभी ऐसे ही लिखते होंगे। कोई डिसएग्री कर रहा? नहीं कर रहा। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी आपने कुछ ऐसे ही लिखना है, नेम लिखना है, तो टेक्स्ट लिखना है, तो आप किस में लिखते हो? डबल कोट्स में लिख लूं इसे, डबल कोट्स में लिखेंगे, नंबर को आपको किसी चीज में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से अगेन सिंधी जो है वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैं डबल कोट्स में अगेन लिख दूं, सही है। अब क्या चाहिए? अब एक और चीज है आपके पास कि भाई ये जो नेम लिखा हुआ है ना, नेम और रोल नंबर दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, तो दोनों के बीच में क्या चीज आनी चाहिए? एक सेपरेटर होना चाहिए ताकि टाइप स्क्रिप्ट समझ सके कि भाई नेम नंबर हम लगा, मुझे सिंधी के बाद कॉमा लगाने की जरूरत है नहीं है, लेकिन अगर लगा भी दे तो एरर नहीं आए, बट हम नहीं लगाते क्योंकि जरूरत ही नहीं है, आगे कोई दूसरी चीज ही नहीं है। कॉमा याद रखें हमेशा यूज होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, किसी भी दो चीजों को सेपरेट करने के लिए, हम आगे भी यूज करेंगे काफी जगहों। अच्छा जो आपकी एग्जाम शीट थी ना उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? उसको मैं ना टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कि ये वाली चीज आप टाइप स्क्रिप्ट में कैसे लिख, एक चीज मिसिंग है बस, एक चीज मिसिंग है। क्या चीज डाली मैंने? जी कर्ली ब्रैकेट्स, जो आप लिख रहे हो ना ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, इतनी सी चीज है। इसको हम क्या कहते हैं जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट की जबान में, इसको हम, इसको मैं बाहर ले आता हूँ, इसको हम कहते हैं भाई ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब
पिछली क्लासों से कोई आपको थोड़ा सा रिवीजन हो रहा होगा कि भाई ये तो जानी पहचानी चीज लग रही है, कहाँ यूज करी थी हमने? इंक्वायरर के अंदर यहाँ पर हमने यही इसी तरह की चीज लिखी थी। तो इंक्वायरर में लिखने से पहले मैं जो है पहले यहीं पे लिख लेता हूँ। इंक्वायरर आपसे मेनली तीन चीजें मांगता है, एक नेम, एक आपसे मांगता है क्या मैसेज, एक आपसे मांगता है टाइप। ये तीन चीजें आपने लाजमी देनी होती है इंक्वायरर, इसके अलावा और भी चीजें दे सकता है बट ये तीन चीजें तो लाजमी है। अब ये तीन चीजें हैं क्या क्या, जैसे अभी हम एग्जाम वाली एग्जाम्पल पे ही चल रहे थे, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ। आप लोग जब एग्जाम देते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, वो किस तरह से लिखा होता है, Q1, और क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज योर नेम। अच्छा रमजान चल रहा है वैसे, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को पता भी चल जाएगा। एक रमजान के हवाले से ही, कुरान के हवाले से ही क्विज क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की जहाँ तक बात ही आई है जी, देखते हैं भाई कितने लोग जवाब दे पाते हैं। मुझे ये बताएं, तैयार रहें, मुझे ये बताएं कि कुरान के अंदर कौन सी ऐसी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते या नहीं लिखा हुआ होता। बड़ी तेज जवाब दिए, मतलब जाग रहे सब। सबसे पहले किसने जवाब दिया? सबसे पहले हमारे पास, मेरे ख्याल में महक ने दिया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर दिया, तो पहला मैसेज अच्छा मारिया ने दिया। वेल डन, मारिया ने सबसे पहला, और फैजान भी है उसके बाद, SH, तो मतलब तकरीबन सबको पता है, तो अच्छी बात है, दीन की बातें भी हमें पता होनी चाहिए। अच्छा नॉर्मली जब आपके पास एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं तो किस तरह से लिखे हुए होता है, किस तरह से लिखे हुए होते हैं, ऐसे ही है। इंक्वायरर में किस तरह से लिखे हुए हैं? इंक्वायरर में जब आप क्वेश्चन लिखते हो ना, तो आपको ये चीज़ें डिफाइन करनी होती है। इंक्वायरर के अंदर जो नेम वाली चीज़ है ना, वो बेसिकली बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन में भी मौजूद है। क्या है इसमें से नेम क्या है? ये लो, ये फिर से मेरे ना उसको पकड़ लिया इसने, हाँ छोड़ दिया, शुक्र है। अच्छा इसमें से आपके पास इंक्वायरर, अगर मैं यही चीज इंक्वायरर में लिख रहा होता ना, तो ये जो Q1 है ना, ये जो आपके पास Q1 है, ये क्या है? ये नेम है, ये आपके पास नेम है। और ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम, ये क्या है आपके पास? ये आपके पास इंक्वायरर के अंदर क्या है? मैसेज है भाई, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, मैसेज है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो इंक्वायरर के अंदर ये जो Q1 है ना, Q1, और मुझे ये बताया कि आप लोग जब क्वेश्चंस देखते हैं तो किसी भी दो क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन नंबर नहीं हो सकते, ऐसा ही है, सेम हुए तो कंफ्यूजन हो जाएगी। दूसरी चीज आपके पास है ये मैसेज, कि भाई क्वेश्चन क्या, इटसेल्फ एक क्वेश्चन नंबर है, एक क्वेश्चन मैसेज है। तीसरी चीज क्या है इंक्वायरर के अंदर? अच्छा इसको अभी मुझे ठीक करना है, बट फिलहाल हम नेम, मैसेज और टाइप पे फोकस कर। क्वेश्चंस जब आपके पास एग्जाम आता है तो उसकी कुछ ना कुछ टाइप होती है, या MCQs बेस्ड होता है, या आपके पास क्वेश्चन आंसर होते हैं, या लॉन्ग शॉट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से भी यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन की टाइप लिखनी होती है। तो हमारे केस में ये सारी चीजें मैं एक एक करके लिख लेता हूँ। तो मेरी डमी डेमो एप्लीकेशन जो है, उसके अंदर पहली चीज मुझे लिखनी है एंटर योर पिन नंबर, पहली चीज ये लिखनी है। तो यहां पर आके मैं कहां पे लिखूं ये एंटर योर पिन नंबर? जी मैसेज में लिखूंगा एंटर योर पिन नंबर, ये थोड़ा सा जूम आउट करके स्लो कर लिया, एंटर पिन, ये हो गई।
दूसरी चीज क्या है भाई, इसका नेम, इसका नेम फिलहाल के लिए मैं Q1 कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन वन होता है ना, क्वेश्चन आंसर्स में होता है आपके पास Q1 होता है, फिर Q2 होता है, फिर क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फाइव, तो ये आपके पास Q1 होगा। टाइप इसकी क्या होगी, टाइप इसकी मैं कर देता हूँ नंबर। टाइप इन नंबर जो होता है वो हमेशा नंबर में ही होता है ना, तो मैं इसकी टाइप कर देता हूँ। ये मैंने चीज बना ली है, क्या मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ? कहाँ करना है भाई मुझे कॉपी पेस्ट? इस प्रॉम्प्ट के फंक्शन, पहले मैं बाहर लिख लेता हूँ। देखिए यही चीज है आपके पास, यही एज इट इज मैंने उठा के प्रॉम्प्ट के फंक्शन के अंदर इसको थोड़ा एंटर दबा के अगली लाइन में ले जाता हूँ, सेम वैसे ही मैंने लिख लिया। टाइप नंबर, नेम मैंने इसका Q1 रखा है। नेम के बारे में हमने ये चीज सीखी कि नेम जो है हमेशा यूनिक होगा, किसी भी दो क्वेश्चंस के नाम Q1 नहीं हो सकते। अच्छा, अब आप लोग एक सवाल कर सकते हो कि सर हमने कुछ क्लासेस के अंदर हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज भी यूज करी थी, ये क्या चीज है? ऐसा ही है, आपने कहा होगा यार सर ने जो है, सर हमें सही पढ़ा नहीं रहे हैं, सर ने स्क्वायर ब्रैकेट ही हटा दिया। स्क्वायर ब्रैकेट का मकसद क्या होता है? जब भी आपको, आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस हो ना, तब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। फिलहाल मेरे पास है जिसमें मैं पिन नंबर पूछ रहा हूँ, अगर वो सही बताता है तो मैं उससे बोलूंगा हाँ भाई सही है, आप जो है आगे विड्रॉ कर सकते हो। अगर वो गलत डालता है तो मैं बोलूंगा भाई आपका पिन कोड गलत। तो अभी मेरे पास एक ही सवाल है, तो अगर मैं चाहूँ तो स्क्वायर ब्रैकेट हटा सकता हूँ, बट क्योंकि हम पिछली क्लासेस में करते आ रहे हैं तो मैं लगाए रखे रहने का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास मल्टीपल सवाल हो तो आप मल्टीपल सवाल इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम टाइप स्क्रिप्ट में कहते हैं एरे। तो आप लोगों ने चैट पे बता भी दिया, क्या गलती करी इसमें? सेपरेट करने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, यहाँ पर भी हमारे पास कॉमा यूज होता है, पहले सवाल और दूसरे सवाल को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज। ये दूसरा सवाल मैंने आपको सिखाने के लिए लिखा था, इसको वापस हटा देता हूँ। सही है, अब भाई यहाँ पे मैंने सवाल लिखा है इंक्वायरर का, तो इंक्वायरर अब मुझसे सवाल कर, जब मैं एप्लीकेशन चलाऊंगा इंक्वायरर सवाल करेगा और मैं उसका जवाब दूंगा। जवाब मुझे कहीं ना कहीं स्टोर भी तो कराना है, कहाँ स्टोर कराऊं? जी वेरिएबल के अंदर, तो वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूं इन आंसर, कुछ मीनिंगफुल नाम रखेंगे ताकि हमें याद रहे। इन आंसर मैंने इसका नाम रख दिया। अच्छा, अब बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने फिर गलती करी है, अवेट नहीं लगाया। अच्छा, अवेट मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो है अवेट समझना भी तो है ना। अवेट की मिसाल ऐसी है, यहाँ पे मैं आता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो लिख देता हूँ, इंक्वायरर वाले कोड के बाद मैंने ये चीज लिखी है, ठीक है, सेव किया मैंने। कोड पे आते हैं, ये तो पुराना वाला है टर्मिनल, मेरा जो अपना टर्मिनल है इसका, तो मैं लिखूंगा TSC एंड एंड नोड मेन डॉट JS। ये मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा, ये क्या हुआ, ये देख रहे हैं आप, हेलो प्रिंट हो गया पहले, मतलब आपकी गाड़ी छूट गई। आप इसको इस तरह से समझें कि भाई वेटर आपके पास आया, आपसे सवाल किया और सवाल करके भाई आगे बढ़ गया दूसरे बंदे के पास, कैसा लगेगा आपको? मोई मोई हो जाएगा। तो भाई वेटर को हमें क्या करना है, रोकना है कि वेटर हमसे सवाल करे और वहां पे वेट करे जब तक हम जवाब ना दे दे। तो उसको वेट कराने के लिए हमें क्या लिखना है, यहाँ पे वेट नहीं लिखेंगे, अवेट लिखेंगे, और इसका डिटेल में टॉपिक जो है आगे चल के आएगा। फिलहाल हमने ब्रीफली इसको समझ लिया, आप लोग की ऑन साइट क्लासेस में ये चीज़ पढ़ाई जाएगी डिटेल में।
अब सही है, अब मोई मोई नहीं होगा। अच्छा तो पहला सवाल हो गया हमारा, फाइनली पहला पार्ट हो गया, तो इसको चला के भी देख लेते हैं। चलाने के लिए मेरा टर्मिनल ये रहा, TSC नोड मेन डॉट JS। अब ये मुझसे पूछेगा एंटर योर पिन, तो पहला सवाल तो हो गया, पहला पार्ट हो गया। अब देख रहे हैं मैं ATM वाली साल भाई, एक एप्लीकेशन को। सवाल जी पूछूंगा यहाँ पे, आपने जी TCS के दरम्यान दो दो एंड लगा के ये क्यों किया, अलग अलग दोनों क्यों नहीं कर लिए? हाँ जी अच्छा सर ने पूछा कि भाई यहाँ पे ये एंड एंड का साइन क्या कर रहा है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि TSC एक कमांड है, नोड मेन डॉट JS दूसरी कमांड है। हम इसको एक एक करके भी चला सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार दोनों साथ में चल जाए, जब बार बार दो कमांड ना चलानी पड़े, मैं दोनों को साथ में चला लूँ। तो उसके लिए मैं ये एंड का साइन लगाऊंगा दोनों कमांड्स के बीच में, भाई TSC वाली कमांड पहले चलेगी, उसके बाद नोड मेन डॉट JS की कमांड उसके बाद चलेगी, तो दोनों काम साथ हो रहे हैं। टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है और आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल चल भी रही है। पिन कोड डाल देते हैं भाई 1234, क्या होगा इसके बाद? जी एरर आएगा 55, कुछ लोग तो कह रहे हैं 5 आएगा, 5 क्यों आ रहे भाई? अच्छा आप कह रहे हैं 1 2 3 4 5 कर दूंगा, नहीं भाई मुझे 4 तक ही करना है। चला के देखते हैं, कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारा कोड जो है ना वो यहाँ तक चला, खत्म, आगे कुछ है ही नहीं ना, आगे जब आप लिखोगे तब आगे का कोड चलेगा ना। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पिन आंसर जो है ना इसको हम कंसोल करा देते, कंसोल डॉट लॉग पिन आंसर, पिन आंसर, और इस ये जो साइड बार है मेरा इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस ज्यादा मिले। जी 1 2 3 4 आएगा या कुछ और आएगा बताएं? 1 2 3 4 वाले मुझे ज्यादा वोट लग रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पक्की बात है, 1 2 3 4 ही आएगा सिर्फ, चला के देखते हैं। अच्छा अगर मेरी कैमरे में शक्ल नहीं आ रही हो ना तो मुझे आदत नहीं है कैमरे चला के यूज करने की, वो क्रॉप भी हो रही हो तो मसले की बात नहीं है। अच्छा आप लोग कह रहे हैं कि 1 2 3 4 आएगा सिर्फ, एक बंदा जो है क्या नाम है, मुहिब, मुहिबुर रहमान, ये कह रहे हैं कि भाई, और इकरा भी कह रही है कि भाई ऑब्जेक्ट आएगा, और शायद मैंने किसी का मिस कर दिया हो, लेट्स सी 1 2 3, 1 2 3 4, क्या गलती कर दी, किसी का भी सही नहीं हुआ यहाँ तो, सेव नहीं किया है मैंने, सेव कर देते हैं, वापस आते हैं चलाते हैं इसको, और ये मुझसे पूछेगा पिन कोड, मैं डाल दूंगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंटर, ये क्या आ गया? अगर आप इस कोड को गौर से पढ़ो ना, मतलब देखो गौर से, कि वही चीज है अभी जो मैं आपको सिखा रहा था डायग्राम बना के, इसको हमने क्या नाम दिया था, मतलब इसका क्या नाम है, हमने तो नहीं दिया मोई मोई, नहीं दिया इसका नाम, इसका नाम हमने ऑब्जेक्ट दिया है, बिल्कुल बिल्कुल अनस कह रहे हैं ऑब्जेक्ट, और उन्हें रेन कह रही है ऑब्जेक्ट, सुहेब कह रहे हैं ऑब्जेक्ट। यही चीज अभी हमने पढ़ी थी डायग्राम के अंदर कि भाई इसको हम क्या कहिए, लिखी हुई, तो इंक्वायरर आपके पास वेरिएबल के अंदर स्टोर तो कर रहा है, लेकिन वो किस शक्ल में कर रहा है, ऑब्जेक्ट की शक्ल में कर रहा है, ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बे इंतहा इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता नहीं चलेगा आप हर जगह ऑब्जेक्ट यूज कर, आगे चल के देखेंगे आप लोग। तो बिल्कुल वही चीज है, कर्ली ब्रैकेट आपके पास 1 2 3 4, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ 1 2 3 4 ही प्रिंट हो, क्या करूंगा कोड में, क्या चेंज करूं? जी
को मैं लिखूंगा पिन आंसर डॉट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 जिसके अंदर स्टोर हो रहा है उसका नाम क्या है, उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, क्यू वन नाम है, बस कर दो कितना स्पैम करोगे, क्यू वन नाम है, तो हम इसका नाम क्यू वन ही रखेंगे, किसी और नाम से भाई नहीं चलेगा, नाम सेम होना लाजमी है, जो हमने नाम यहाँ पे रखा है वही नाम यहाँ पर भी आप यूज करोगे, कुछ और नाम नहीं रख सकते। अब आपके पास भाई 1 2 3 4 ही आएगा, जैसे आप लोग सब कमेंट कर रहे थे, जल्दी से मैं 1 2 3 4 क्या आएगा जी, यार सेव कर लिया मैंने, यार 1 2 3 4 वाले फंस गया फिर से, मैंने 4 3 2 1 लिखा है जी, तो 1 2 3 4 मैंने लिख लिया। अब आगे काम करते हैं, हमने क्या करना है, हमने चेक करना है, हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, और होपफुली आप लोगों ने क्लासेस में अपने कर लिया होगा इफ एल्स, इफ के अंदर हमने चेक करना है कि भाई पिन आंसर ये जो पिन का आंसर है, पिन रख देते हैं, पिन ज्यादा मीनिंगफुल लगता है, क्यू वन जो है ना वो ना मजेदार नहीं लग रहा, पिन रख देते हैं इसका, तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्यू वन लिखूंगा, पिन लिखूंगा, तो पिन आंसर डॉट पिन जो है हमारे पास बराबर होना चाहिए किसके, वन टू थ्री फोर लिख दूं यहाँ पे, मैंने इसीलिए अपना पिन कोड जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखने की बजाय मैं पिन लिख देता हूँ, और आप सभी को पता होगा कि भाई इफ एल्स के अंदर आपके पास कंडीशंस लिख लगती, तो मुझे ये बताएं, अभी मैं इसको चलाता हूँ, पहले पूरा लिख लूँ, इफ एल्स के अंदर आपके पास राउंड ब्रैकेट्स होते हैं और कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट बिल्कुल आपके दरवाजे की तरह है, दरवाजा इस सेंस में कि भाई आपका ये रूम है, जो भी अगर आपके पास यहाँ पे जो भी कंडीशन दिखेगी अगर तो वो ट्रू होती है तो आपका ये दरवाजा खुल जाएगा, इसका मतलब ये है कि भाई इस रूम के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो चल जाएगा, ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे बताना है, कोड को देख लें बाद में, नहीं गलती करेगा, कोड को पढ़ लिया, अब मुझे ये बताना है भाई यार, मैं चला के देखूं, वन टू थ्री फोर फाइव, इतने सारे लोगों ने कहा यस 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 यस, इतने सारे आए फिर उसके बाद नो 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 फिर सर ये काम करें इनको वो कर दें, एक एक को म्यूट करके पूछ लें, अनम्यूट करके। जी। हाँ वो थोड़ी देर में हम पूछते हैं, इसके आगे भाई बहुत सवाल आ रहे हैं, तो हम एक एक करके तो चला के देखते हैं भाई, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, लेफ्ट हैंड साइड जो के 1 2 3 4 5 अभी हमने लिखा था, मैं यहाँ पे भी कमेंट में लिख देता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा था 1 2 3 4 5, और हम कह रहे हैं इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू मतलब बराबर है 1 2 3 4, माई पिन क्या है, क्या लिखा था ऊपर 1 2 3 4, तो ये क्या बराबर है, नहीं है, टाइप स्क्रिप्ट बोलेगा नो, तो टाइप स्क्रिप्ट नो नहीं कहता, टाइप स्क्रिप्ट बोलता है फॉल्स, और जब आपको इस राउंड ब्रैकेट के अंदर फॉल्स मिलेगा तो आपका ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड है वो नहीं चलेगा, अब इसको ट्रू करते हैं भाई, इसको लिखा रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम वन टू थ्री फोर सही लिखा है पिन कोड, सबको पता चल गया मेरा पिन कोड, करेक्ट पिन कोड, तो हमने क्या यही काम किया हुआ है, यहाँ पे भी वापस आते हैं ये वाली एप्लीकेशन में, जब मैं पिन कोड डालता हूँ तो क्या डालता हूँ,
1 2 3 4, मैं गलत डाल रहा हूँ, सही डाल देता हूँ पहले, 3 3 4 4 1 था शायद, एंटर जब मैं दबाऊंगा तो अब वो अगला सवाल पूछ रहा है। तो मुझे जल्दी से बताएं ये अगला सवाल मैं कहाँ पे पूछूंगा, क्या मैं इस इफ के बाद यहाँ पे पूछूंगा, यहाँ पे इंक्वायर लिख दूं? नहीं भाई, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इफ के अंदर लिखेंगे, क्योंकि अगर तो पिन कोड सही है तो हमारे पास वो दूसरा सवाल करेगा, वरना यहाँ पर भी अगर मैं गलत पिन कोड डाल दूं, ये मेरा जो डेमो मैंने बनाया आप लोगों के लिए, यहाँ पे गलत पिन कोड अगर मैं डाल दूं तो आप देखें ज्यादा दफा एंटर हो गया। इसको अगर मैं चलाऊं तो हमारे पास अब ये पूछ रहा है पिन कोड मैं गलत डाल देता हूँ, 1 2 कुछ भी डाल दिया, ये क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट पिन कोड। अब वो आगे ही नहीं बढ़ रहा, तो पहले वाली चीज कर लेते हैं, इनकरेक्ट पिन कोड लिखा आ जाए। इसको करने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे इसके अंदर ही लिखूंगा एल्स। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर अगर पिन कोड सही है तो ये इफ वाली चीज चल जाए, वरना एल्स का मतलब है वरना कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमारे पास चल जाए इन करेक्ट पिन नंबर। तो अब जब भी मैं गलत पिन नंबर डालूंगा तो हमारे पास क्या चलेगा, एल्स चलेगा, इनवैलिड पिन नंबर चलेगा। अब हमने काम कहाँ पे करना है, एल्स पे करना है, इफ पे करना है? इफ में करना है, सारा काम इफ में होगा। अच्छा जी, अपनी डेमो एप्लीकेशन में देखता हूँ भाई मैंने क्या किया, याद ही नहीं है मुझे। ये डेमो मैंने साइड पे इसलिए रखा हुआ है ताकि जो है हम चेक कर सकें, इसके लिए हम चेक कर सकें। सही पिन नंबर डालता हूँ 3 3, ये डेमो वाली एप्लीकेशन है, ये अभी जो हम बना रहे हैं वो नहीं। क्या हुआ, भूल गया क्या मैं? अच्छा ये तो अभी वाली है, सॉरी, ये अभी वाली एप्लीकेशन है, मैं डेमो एप्लीकेशन खोल लेता हूँ। डेमो एप्लीकेशन मेरे पास ये रही, पहला सवाल उसने कर लिया, आपके वेटर ने या आपकी बेगम ने पहला सवाल कर लिया, इंक्वायरर ने पहला सवाल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, 3 3 4 4 1, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आप देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे आपके पास वो पूछ नहीं रहा, आपको ऑप्शंस दे रहा है, बिल्कुल एमसीक्यूज की तरह, चूज करो इन दोनों में से एक। जब केटीएम में आप जाते हो ना, वहां पे भी इतने सारे ऑप्शन होते हैं, आप दो सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप एक ही सिलेक्ट कर। अब ये वाला सवाल हमने बनाना है, बनाने के लिए इसको मैं वापस ले जाता हूँ, और सही है। अब अगेन सवाल अगर मुझे बनाना है तो उसके लिए क्या चीज़ यूज होती है, इंक्वायरर। और कुछ लोग तो भाई मुझसे भी फास्ट चल रहे हैं, कोड ही लिख लिया पूरा पूरा, प्रॉम्प्ट अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे हमने ऊपर सवाल बनाया था वैसे ही मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ, और इसके अंदर फिर कर्ली ब्रैकेट, और तीन मेन चीजें हमने लाजमी देनी होती, नेम, इसका नाम मैं दे देता हूँ, अभी हम क्या चीज़ मांग रहे हैं, अभी हम पूछ रहे हैं कि भाई आपने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, विड्रॉ करना है या अपना जो भी अमाउंट है वो चेक करना है। तो इसका नाम जो है मैं रख देता हूँ ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, विड्रॉ करना है या चेक बैलेंस करना है, तो ये इस नाम से, इस हिसाब से मैंने इसका नाम रख दिया, लोग एक्शन भी नाम रख सकते हैं। मैसेज, प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन, जब भी उनको ऑप्शन दिखेंगे तो मैं चाह रहा हूँ कि प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन लिखा है। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज टाइप, टाइप के अंदर मैं दूंगा क्या चीज, लिस्ट, सही है, लिस्ट दे दी। अब
अब क्या करूं, मैंने आपको कहा था तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जब आपके पास टाइप जो है वो लिस्ट होती है तो याद रखें, अब आपको चार चीजें देनी पड़े। इंक्वायरर आपसे चार चीजें मांगेगा, और लॉजिकली अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएं तो जाहिर सी बात है आप चाह रहे ऑप्शंस शो हो, तो ऑप्शंस कौन से शो हो वो भी तो दिखाना है ना। उसके लिए आपके पास आता है चॉइस, चॉइसेस, चॉइसेस, क्योंकि मल्टीपल होनी है। अगर एक होनी होती है तो मैं लिखता भाई चॉइसेस के अंदर, क्या मेरे पास एक चॉइस है? नहीं, मेरे पास मल्टीपल है। मल्टीपल चॉइसेस ऐड करने के लिए मैंने एक ब्रैकेट बताया था आपको, कौन सा ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट है हमारे पास मल्टीपल चीजों को ऐड करने के लिए, जिसको हम कहते हैं एरे। इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, और दूसरी चॉइस भी लिख लेता हूं मैं, दूसरी चॉइस थी चेक बैलेंस, चेक बैलेंस। सही है, क्या गलती करी है? कॉमा नहीं लगाया भाई, सेपरेट करने के लिए कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमा के बगैर नहीं चला। सही है, सही कोड लिखा है। अब वेट और वो सारी चीजें लगा दूं वापस, वेट लगा लिया मैंने, और इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ ऑपरेशन, आंसर का आंसर लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। तो जो भाई भी बच्चे भाई जी बच्चे बोल रहे हैं कि आपने टाइप का जो टी है वो बड़ा रखा है। भाई देख रहा हूँ मैं, चैट पढ़ रहा हूँ, मुझे जो है ना देखना है मुझे कितने लोग जाग रहे हैं। अच्छा अब वेट, इंक्वायरर, अब ये सवाल का जो भी जवाब होगा वो कौन से वेरिएबल के अंदर होगा? ऑपरेशन, आंसर्स वाले। अब मुझे क्या गलती करी है इस बगल, और ये गलती आप लोग करते हो, चॉइसेस का सी बड़ा कर दोगे, नहीं चले भैया। टाइप का मैंने टी बड़ा कर दिया, नहीं चलेगा भाई, टाइप का टी है। सही है, अब सही है, चलो एक यस आ गया, दो यस आ गया, बहुत सारी यस आ रहे हैं जी। कुछ हुरैन कह रही है भाई लिस्ट का जो एल है वो भी कैपिटल में लिखा हुआ है, आकाश भी यही कह रहे हैं, और आगे कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई लिस्ट का जो एल आ गया, ये जो लिस्ट का एल है इसको भी स्मॉल में लिखना है, मैंने जानबूझ के लिखा था, तो उसी वक्त रोक देना है चैट। अच्छा तो ऑपरेशन आंसर ये मेरा दूसरा क्वेश्चन हो गया, चला के देखते हैं भाई, यहीं तक रखते हैं, चला के देखते हैं भाई कहाँ तक पहुंची हमारी एप्लीकेशन। पहला सवाल आएगा, कोड ऊपर से चलना स्टार्ट होगा, पहला सवाल आएगा कि भाई आपका पिन नंबर क्या है, तो मैं सही पिन नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4, अगर मैं गलत डालता हूँ तो क्या चलेगा? इफ चलेगा, इल्स चलेगा? जी वो चैट मुझे पीछे रह गई है, एल्स चलेगा, तो मैं सही डाल देता हूँ 1 2 3 4, मैंने डाल दिया। आगे दो ऑप्शन, विड्रॉ, चेक बैलेंस। अगर कोई बंदा विड्रॉ सेलेक्ट करता है तो क्या होना चाहिए? अमाउंट डिडक्ट हो जानी चाहिए आपकी, जो अमाउंट है 10,000, उसमें से $10,000 उसमें से डिडक्ट हो जानी चाहिए। चेक बैलेंस हो तो भाई वो कुछ नहीं करे, बैलेंस चेक कर दे। तो आप देख रहे हो दोनों केसेस के अंदर एक आपके पास ऑप्शन है विड्रॉ का, इसका मैं नाम रख देता हूँ, एक आपके पास ऑप्शन है चेक बैलेंस का, और दोनों के अंदर मैं टैक्स लिख देता हूँ विड्रॉ। इसको मैं बाहर लिख देता हूँ विड्रॉ, और इसी को ताकि हम जो है ना विजुअली ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तो इस तरह से डायग्राम बना के देख लेते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है चेक बैलेंस,
बैलेंस ज्यादा है तो हमारा बैलेंस डब्बे से बाहर आ गया, $10,000 है ना। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि भाई अगर विड्रॉ हो, अगर बंदा जो है विड्रॉ सेलेक्ट करे तो अलग कोड चलना चाहिए, अगर बंदा जो है चेक बैलेंस सेलेक्ट करे तो आपके पास अलग कोड चलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं मैं कंडीशनली कोड चला रहा हूं, क्या यूज होगा? अगेन इफ एल्स यूज होगा। तो विड्रॉ अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो विड्रॉ करने की सूरत में उसको क्या करना चाहिए? मुझसे एक और सवाल पूछना चाहिए कि मामू आप जो है मुझे अमाउंट तो बताओ। तो अमाउंट वो मुझसे यहाँ पे पूछेगा तीसरा सवाल कि भाई अमाउंट, अमाउंट क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और ये कब पूछेगा? ये मेरे पास तब पूछेगा जब मैं विड्रॉ को सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझसे तीसरा सवाल पूछेगा अमाउंट बताओ। अगर मेरे पास मैं चेक बैलेंस सेलेक्ट करता हूँ, चेक बैलेंस अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो है मुझे बस बैलेंस दिखा दे मेरा, और कुछ नहीं करना है। तो पहले हम विड्रॉ वाला कर लेते हैं। विड्रॉ वाला थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल क्या? थोड़ा ज़्यादा कोड लिखना पड़े। अभी मैं विड्रॉ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो विड्रॉ करने पे कुछ नहीं हो रहा, एंटर दबा देते हैं। सही है, विड्रॉ करने पे कुछ नहीं हो रहा। अब हम आगे विड्रॉ का कोड लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे भाई? इस कोड के बाद लिखेंगे। क्या लिखूं? If, जो भी मेरे पास बंदा जो है ऑपरेशन सेलेक्ट कर रहा है वो क्या सेलेक्ट कर रहा है वो मुझे लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तो बंदा जो है ऑपरेशंस आंसर जो है वो, अगर बंदा विड्रॉ सेलेक्ट करता है, कोई भी इंसान अगर विड्रॉ सेलेक्ट करता है तो क्या होना चाहिए भाई? तीसरा सवाल अब इसके अंदर पूछेगा। सही है, या बिलाल भाई फौरन गलती पकड़ ली? मोहम्मद बिलाल ने फौरन गलती पकड़ ली। शोएब कमाल ने गलती पकड़ने की कोशिश करी लेकिन गलत पकड़ी है, और बिलाल ने भी गलत पकड़ी है। छी, क्या गलती करी है? सुलेमान शाह ने सही जवाब दिया है, और अब्दुल्ला ने भी ऊपर लिखा है कि भाई ऑपरेशन आंसर तो आपके पास आ रहा है। इसको मैं कंसोल भी करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ये आंसर तो आपके पास आ रहा है लेकिन लेकिन वो किस सूरत में आ रहा है, किस शक्ल में आ रहा है? 1 2 3 4, मैं विड्रॉ सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्या मेरे पास विड्रॉल लिखा हुआ आएगा? नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट की शक्ल में आएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर ये देख रहे हैं ऑपरेशन लिखा हुआ। ये ऑपरेशन इसका नाम कैसे पड़ा? ऑपरेशन इसका नाम ऐसे पड़ा कि हमने यहाँ नेम के अंदर इसका नाम ऑपरेशन रखा, इसलिए इसका नाम भी यहाँ पे ऑपरेशन पड़ गया। भाई आप कुछ और नाम रखो, कुछ और बन जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पर आके अगर डेमो एप्लीकेशन वापस दिखा देता हूँ ताकि आपको पता हो आगे हम क्या करने वाले। आगे हम ये करने वाले हैं, सबसे पहले पिन कोड पूछेगा वो, पिन कोड डालते हैं। आ जा, 3 3 4 4 1, ये डेमो एप्लीकेशन है। अगेन एंटर, विड्रॉ मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये अब तीसरा सवाल पूछ रहा है कि भाई अमाउंट एंटर करो, कितना विड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000। जब मैं 1000 लिख के एंटर करूंगा तो वो देखो शुरू में मेरी अमाउंट 10,000 थी, उसने क्या किया 1000 को 10,000 में से माइनस कर दिया, तो मेरी अब जो अमाउंट बची है वो 9,000। तो बस हमारा ये लास्ट स्टेप रह गया, बाकी सब हो गया।
अच्छा मैंने देख लिया है कि जो है अक्सा का मैंने मैसेज पढ़ लिया है, तो सही है। और क्या है भाई? सही है सही है। तो मैं उनको बताने के लिए मैंने बता दिया कि आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं अभी, देखते हैं और कौन कौन पकड़ता है। अच्छा ऑपरेशन विड्रॉ मैंने लिख दिया, उसके बाद मैं आगे कोड लिखूंगा क्या? तीसरा सवाल अमाउंट का, अमाउंट का सवाल लिखने के लिए अगेन वेरिएबल से बनाना ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ माउंट आंसर, इसका नाम मैंने रख दिया। अवेट लगाएंगे अगेन, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। परेशान हो गए चैट पे। अच्छा पहले लिख लूँ, मैं लिख लूँ पहले, फिर आगे देखते हैं, देख लें क्या लिख रहा हूँ मैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, अब तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है? बस कर दो भाई, पढ़ लिया मैंने, सही है। अच्छा तीसरा सवाल क्या है? नेम, नेम इसका मैं रख देता हूँ, अमाउंट रख देता हूँ, अमाउंट, अमाउंट जो है मीनिंगफुल नाम है, तो मैं इसका नाम भी अमाउंट रख देता हूँ, अमाउंट अमाउंट। अब इससे ये होगा कि मैं अगर मैंने गलती से भी गलती कर दी ना, तो आप लोग समझोगे मैंने जानबूझ के करी है, तो मेरी इमेज नहीं खराब होगी। ये मेरी चालाकी है। अच्छा नेम अमाउंट मैसेज एंटर योर अमाउंट, तीसरी चीज टाइप क्या रखूंगा? इनपुट रख दूं, टाइप आएगी हमारे पास नंबर। सही है भाई, पूरा कोड लिख लिया मैंने, होना ये चाहिए कि इसने तीसरा सवाल पूछना चाहिए भैया। लेट्स सी मेरा कोड कहाँ पे है, ये रहा। चलिए चलाया मैंने, पहला सवाल पूछेगा, ऊपर से कोड चलना स्टार्ट हुआ, पिन कोड बताओ, इनपुट डाल देते हैं 1 2 3 4। दूसरा सवाल पूछा इसने, भाई विड्रॉ करना है या चेक बैलेंस करना, तो विड्रॉ पे मैं क्लिक करूंगा, क्या मुझसे तीसरा सवाल वो करेगा? एरर क्यों आएगा भाई? एरर नहीं आएगा, नहीं करेगा, क्योंकि तीसरा सवाल जो मैं कर रहा हूं ना, वो मैं इस कंडीशन की बेस पे कर रहा हूं, अगर ये ट्रू होती है तभी वो तीसरा सवाल करेगा, वरना तीसरा सवाल नहीं करेगा, वरना तीसरा सवाल नहीं करेगा। अब मुझे ये बताएं आप लोग, क्या इस केस के अंदर मेरी तीसरी कंडीशन, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं? नहीं हो रही, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है मैंने W बड़ा लिख दिया है और यहाँ पे छोटा लिखा, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए वरना ही नहीं चलेगा। तो स्पेलिंग लाजमी सेम होनी चाहिए, अब मैंने स्पेलिंग सही कर दिए, आप बताएं ना। अब अगर मैं यहाँ पे, मेरा प्रोग्राम चल रहा है, मैं विड्रॉ सेलेक्ट करता हूँ, क्या मैं मुझसे तीसरा सवाल करेगा या नहीं? अभी भी नहीं करेगा, अब तो ठीक कर दिया ना मैंने। चले कुछ लोगों को मैंने पलटा दिया, कुछ लोग कह रहे हैं यस करेगा। अच्छा देख लेते हैं, एंटर दबाता हूं मैं यहाँ पे, नहीं करा, तीसरा सवाल नहीं करा उसने, क्योंकि भाई हम जब भी कोड में चेंजेस करेंगे तो वापस आपने TS वाली कमांड चलानी पड़ती, तो हमने कोड में चेंज करी है तो हमने वापस वो कमांड चलानी पड़ेगी। एंटर दबाते हैं, इन कोड मांगेगा, इनकोड सही है, ठीक है आगे चल। नहीं क्यों, पिन कोड गलत डाल दिया, क्या आएगा? इनकरेक्ट पिन नंबर, भाई एल्स जो है ना आपका चल। अच्छा सी डालता हूँ मैं,
सही डाल देते हैं, 1 2 3 4 एंटर। दूसरा सवाल किया, दूसरे सवाल में हमने विड्रॉ सेलेक्ट किया, अब क्या हुआ भाई जी, अब क्या गलती कर दी जी। अक्सा का मैंने पहले मैसेज हाईलाइट किया था, और कौन बताएगा, ये एक एक आया मेरे पास, उस्मान कह रहे हैं। अच्छा, उस्मान के अलावा किसी और ने भी कहा हुआ है, कवल ने भी कहा हुआ है, कवल कह रही है कि जो है सर आपने ये गलती करी हुई है। अच्छा, एडमिन भी यही गलती बता रहे हैं, और एक बंदा फजल जो है बेचारे मोए मोए में ही अटके हुए हैं। अच्छा चले, गलती ये है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, ऑपरेशन के अंदर आ रहा है। यहाँ पे ये जो कंसोल है, ये जो चीज प्रिंट हुई है, इसकी जगह पे प्रिंट हुई है, ठीक है। ऑपरेशन आंसर डॉट, आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, अगर मुझे ऑपरेशन तो ऑपरेशन रखना है, बिल्कुल डॉट ऑपरेशन लगाएंगे, अब ये सही कोड चले। चला के देखते हैं भाई, जब तक आप लोग मुझे ये बताएं क्या स्टेप रह गया। सारे सवाल मैं कर रहा हूं, पिन कोड पहले मैं मांग रहा हूं, पिन कोड सही होना चाहिए, एंटर। दूसरा सवाल, विड्रॉ करना है या चेक बैलेंस करना है, हम कह रहे हैं विड्रॉ करना। विड्रॉ जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली कंडीशन चलेगी, जब ये वाली कंडीशन चलेगी तो उसके अंदर जो है ऑपरेशन, आंसर के अंदर ऑपरेशन जो है, जो कि हमारे केस में क्या है, विड्रॉ, एंटर किया। अब ये तीसरा सवाल कर रहा है कि भाई बैलेंस डालो, बैलेंस डालो, और बैलेंस के अंदर जो है मैं बैलेंस डाल सकता हूँ 1000। अब लास्ट काम ये रह गया, दो काम रह गए, एक काम ये रह गया कि भाई पेमेंट डिडक्ट करनी है, दूसरा काम तो आसान है चेक बैलेंस वाला, वो वाला तुम कर लेंगे, हो सकता है होमवर्क दूं, वैसे होमवर्क है आप लोगों के लिए। दूसरा काम, अमाउंट हमें मिल गई, अब हमारी जो अमाउंट है, जो मैंने शुरू में मेरा लिखा मेरा बैलेंस, इसमें से मुझे माइनस करना है मेरी जो अमाउंट है, वो जो मैंने अभी अमाउंट डाली है वो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने फंक्शन, ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है, इसके बाद आके यहाँ पे मुझे अमाउंट आंस डॉट अमाउंट, इसको मैं कंसोल करा देता हूँ पहले, ताकि देखें तो कौन सही बताता है, ठीक है। क्या प्रिंट होगा कंसोल में, ए कर लो यार आप लोग अपने फैकल्टी को, ए क्या होता है, कुछ लोग कह रहे हैं 1000 प्रिंट हो जाएगा भाई। यहाँ पे इसका नाम मैंने क्या रखा है, स्मॉल अमाउंट रखा है, यहाँ पे मैंने क्या नाम रखा है, कैपिटल अमाउंट से रखा है, तो भाई ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर भी मुझे ठीक करना होगा इसे। अच्छा, तो यहाँ पे जो है अमाउंट आंस डॉट अमाउंट लिख लिया मैं, तो स्पेलिंग लाजमी सही होनी चाहिए, वरना आपका प्रोग्राम चल नहीं रहा होगा, परेशान रहोगे भाई क्यों नहीं चल। अच्छा जी, आगे चलते हैं, अमाउंट आंसर डॉट, हमें पता चल गया अमाउंट के अंदर हमारी अमाउंट आ रही है। अब मुझे जो है इस अमाउंट को माइनस करना है, कौन सी अमाउंट में से, जो मैंने ऊपर मेरा बैलेंस रखा हुआ ये 10,000 में से, ये इसलिए रखा हुआ था, ये एंड के लिए बचा के रखा है। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आप लोग पढ़ चुके हैं स्लाइड्स के अंदर, आपके पास एक टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें से एक असाइनमेंट ऑपरेटर है आपके पास इक्वल्स टू, दूसरा कौन सा है माइनस इक्वल्स टू,
तीसरा प्लस इक्वल्स टू, तो मैं कौन सा यूज कर सकता हूँ? प्लस नहीं करना है यार, अमाउंट निकाल लो, ऊपर से अमाउंट भी बढ़ रही है। माइनस इक्वल्स टू, क्या करता है ये ऑपरेटर देखते हैं। जी क्या करना है, माय बैलेंस में से पहले थोड़ी देर के लिए, अगर क्योंकि मुझे ये मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोग ये वाली चीज मिस कर दो, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे करा लेता हूँ, माइनस वाला असाइनमेंट ऑपरेटर। माय बैलेंस इक्वल्स टू, अगर मैं 6000 करूँ तो यहाँ पे कंसोल के अंदर क्या चीज प्रिंट हो जाएगी? माय बैलेंस। अब मुझे बताएं ये 10000 प्रिंट करेगा या 6000? 6000 प्रिंट करेगा, मुझे इसको चलाने की भी जरूरत नहीं है, हमने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पर आके प्लस इक्वल्स टू कर दूँ, अब ये क्या प्रिंट करेगा? अब ये प्रिंट करेगा 16000। तो बेसिकली ये असाइन भी कर रहा है और एडिशन भी कर रहा है। तो हमें क्या एडिशन करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या यूज होता है? माइनस इक्वल्स टू। अब क्या आंसर आएगा भाई? 4000 आएगा। बड़ी देर में आंसर आया, कैलकुलेट कर रहे थे क्या? अच्छा तो ये चीज मैंने आपको यहां पे समझा दी, अब इसको भाई नीचे ही लिख लेते, चलाने की जरूरत नहीं है, हम जो है इसको ऐसे ही चला के दे। माय बैलेंस, ये जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है जिसकी अमाउंट 10000 है, यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस इक्वल्स, और जो अमाउंट मैं यहां से इंक्वायरर के थ्रू पास कर रहा हूँ वो अमाउंट मैं माइनस कर दूंगा अपने करंट बैलेंस में से। ठीक है, अमाउंट मैंने माइनस कर दी अपने करंट बैलेंस में से, आखिर में मैं कंसोल करा दूंगा। कंसोल क्या चीज? योर करंट बैलेंस इज, बल्कि यही से मैं जो है ना, योर रिमेनिंग बैलेंस इज क्या है भाई? मेरा रिमेनिंग बैलेंस क्या, मैं माय बैलेंस के वेरिएबल को प्रिंट करा दूं जो कि मेरे पास ऊपर बना हुआ था, ये बना हुआ। नीचे आके मैंने जो है इसमें कुछ सब्ट्रैक्शन करी है, ये रही। सब्ट्रैक्शन करने के बाद मैं इसको प्रिंट करा, तो सही किया मैंने या गलत किया? सही किया, सही किया, बिल्कुल ठीक किया। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं नो, क्यों गलत किया है भाई? कोई रीजन भी होगी, चला के देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, अब जो लोग नो कह रहे हैं ना, जो लोग हाँ कह रहे थे वो भी कंफ्यूज हो गए होंगे, यार ये नो कह रहे हैं, कुछ ना कुछ सबने गेम करी है। देखते हैं, 1 2 3 4, विड्रॉ को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है, अच्छा ये वाले कंसोल को मैं हटा दूंगा, ये जो है एक्स्ट्रा ऐड हुआ हुआ है इसको इग्नोर करें। अमाउंट मैं डालता हूँ 1000, सब सही लिखा था भाई, कोई गलती नहीं करी, हर बार थोड़ी गलतियां करूंगा। तो मेरे पास एंड में आंसर आ रहा है रिमेनिंग बैलेंस इज 9000। अच्छा आप लोगों को मैं देखता हूँ कि भाई आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हो, लिंक्डइन पे डालते हो। अच्छा जब भी आप किसी का भी ट्यूटोरियल देखो ना, लिंक्डइन पे डालो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो है ना उसमें अपनी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी करो। यहाँ पे पहली चीज मैंने आप लोगों के लिए ये छोड़ी है ताकि आप लोग बना के लिंक्डइन पे डालो, क्योंकि कॉपी पेस्ट तो यार कोई भी कर दो, अपना थोड़ा सा ये चीज बनाओ पहले, फिर जो है आगे वाली चीज। पहला होमवर्क लिखें, इस मसला ये है कि भाई कोई होशियार बंदा आता है, एहसन की तरह कोई होशियार बंदा आता है हमारे पास, होशियार बंदा कहते हैं एहसन जो है वो कहते हैं कि मैं जो है मेरा बैलेंस 10000 है लेकिन मैं विड्रॉ करूंगा 20000।
और ये कोड चल जाएगा और वो 20,000 विड्रॉ भी कर लेगा। होना क्या चाहिए यहाँ पे, होना ये चाहिए कि ये आपको बोले कि भाई आपका बैलेंस 10,000 है, आप कहाँ 20,000 विड्रॉ कर। तो यहाँ पे किसी ने कोड भी लिख लिया है चैट के अंदर, मैं देख रहा हूँ सही लिखा है। इफ एल्स लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ग्रेटर देन लेस देन वाली चीज ही लगेगी, इफ एल्स लगेगा, ये पहला होगा। अच्छा लिख लिया भाई पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क ये है आपके पास। अच्छा पहले मैं ये वाला लास्ट काम तो कर लूं, चैलेंज सुनने लास्ट परफॉर्म करेगा। प्लीज चेक बैलेंस वाली चीज भी तो करनी है। चेक बैलेंस वाली चीज बहुत आसान है, सिंपल आपने आना है। अगर हमारे पास ऑपरेशन मतलब बंदा जो है विड्रॉ सेलेक्ट करता है तो ये वाला इफ चलेगा। यहाँ पे मैं एक और लगा देता हूँ एल्स इफ, इसी को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से। इसको जो है बस बैलेंस बता दो, सोल डॉट लॉग बैलेंस बता दो इसका। योर बैलेंस इज, अच्छा एक और होमवर्क, पहला होमवर्क मैं बता चुका हूँ। दूसरा होमवर्क ये है कि भाई इस चीज को मैंने लिखा है कॉन्कैटिनेशन करिए, आप सबको पता ही होगा, इसको टेम्पलेट में लिखना है। टेम्पलेट लिटरल को, ये दूसरा होमवर्क हो गया कि कोड को टेम्पलेट लिटरल में क्या। अच्छा योर बैलेंस इज माय बैलेंस, माय बैलेंस क्या है, वो ही भाई जो शुरू में हमारा बैलेंस वेरिएबल है, इसको बस हमने चेक बैलेंस के अंदर प्रिंट करा। दो होमवर्क मैंने आपको दे दिए हैं। तीसरा होमवर्क ये है कि आपके एटीएम के अंदर फास्ट कैश का ऑप्शन भी होता है, जिसमें वो आपसे बोलता है कि भाई आपने 10,000 विड्रॉ करना है, आपने 20,000 विड्रॉ करना है, आपने 5,000, 2,000, 1,000, तो आप उसमें से सेलेक्ट करो, उतने विड्रॉ हो जाता है, आपको अमाउंट एंटर नहीं करनी पड़ती। तीसरा होमवर्क ये है कि भाई ये वाली चीज फास्ट कैश वाला फीचर, विड्रॉ वाला मैंने सीख विड्रॉ जैसे ही आप जो फास्ट कोई चीज रह गई है, मैं एक दफा बस चेक कर लेता हूँ। इंक्वायरर हमने कर लिया, वेरिएबल्स हमने देख लिए, इंस्टॉल कर लिया, मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिया। हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब हमने कोड शुरू से समझा, सेव कर लेता हूँ कोड, हमने कोड को शुरू से समझा तो आसान लगा। अब अगर कोई बंदा आके इस पूरे कोड को देखे ना, एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये क्या लिखा है। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये इतना सारा कोड क्या लिखा है। तो हमेशा कोड करने का, असाइनमेंट करने का तरीका ये होता है कि भाई अपने कोड को लाइन बाय लाइन लिखो, ब्रेक कर दो। हमारे पास इतनी सारी चीजें थी, मैंने सबसे पहला काम ये किया कि भाई आपको पहली चीज मैंने कही हमारा बैलेंस है, ये पहला काम ये किया। दूसरा काम हमने भाई इंक्वायरी के अपना पिन नंबर डाला, तो पहले ये दो काम करें हमने, उससे अच्छे से तसल्ली कर ली, हाँ भाई सही चल रहा है। अब दूसरा तीसरा काम कि भाई हमने चेक किया पिन कोड सही डाला है, अगर सही डाला है तो भाई करेक्ट पिन कोड का प्रिंट हुआ। पिन कोड अगर सही डाला है तो अब वो दूसरा सवाल पूछेगा कि भाई आपने क्या करना है, कैश विड्रॉ करना है या चेक बैलेंस करना है। तो ये हमने वो सवाल लिया। फिर इस इफ के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि ऑपरेशन आपने अगर विड्रॉ सेलेक्ट किया है तो अब ये तीसरा सवाल पूछेगा कि
कि भाई आप विड्रॉ तो कर रहे हो अमाउंट, कितनी अमाउंट विड्रॉ कर, तो वो आपके पास ये वाला चलेगा। चौथी चीज, हमने अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया और ये कंसोल पे प्रिंट कर लिया। बाकी एल्स वाली चीजें तो बहुत आसान है। होमवर्क मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मुझे चैट पे आ रहा है, वैसे तो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा भाई, आप लोग लिंक्डइन पे जाके रिकॉर्डिंग से रिवाइज भी कर सकते हैं, बट लाइव सेशन लाजमी रहेगा। लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी जब मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था ना, हमारी एक उर्दू में क्लास होती थी, एक इंग्लिश में क्लास होती थी, मैं दोनों लेता था ताकि जो है ना वो चीज़ें जो है, और मैं रिकॉर्डिंग भी देखता था ताकि वो चीज़ें ना, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो दिमाग में बैठ जाए। पहले देख के लिखो, बगैर देखे लिखो, स्टेप बाय स्टेप करो। तो अच्छा, होमवर्क के बारे में मैं ये बता रहा था कि पहली चीज़ मैंने आपको बोली, वैसे तो रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा, कि एटीएम के अंदर आपने फास्ट कैश वाला फीचर इंप्लीमेंट करना है, जिसके अंदर आपके पास चार ऑप्शन आ रहे होंगे कि 1000 1000 रुपये विड्रॉ करना है, 2000 करना है, 5000 करना है, 10000। तो ये एक आप एडिशनल फीचर ऐड कर, मैंने सिर्फ दो ही ऐड करें कि भाई विड्रॉ वाला और चेक बैलेंस। दूसरा होमवर्क मैंने आपको ये दिया कि भाई यहाँ पे मैंने कॉनकैटिनेशन कराई हुई है, लेकिन आपने कैसे कॉनकैटिनेशन करनी है, टेम्पलेट लिटरल्स यूज करते हुए। आपकी स्लाइड्स के अंदर एक टॉपिक है टेम्पलेट लिटरल्स, मॉड्यूल से पहले वाला टॉपिक, पार्ट 2 वाली जो आपकी टाइप स्क्रिप्ट की स्लाइड है उसके अंदर, और आप लोगों ने प्रॉबेबली क्लास में भी कन्वर्ट किया होगा। तीसरा होमवर्क क्या दिया था भाई मैंने, हाँ तीसरा होमवर्क ये दिया था कि भाई एहसन भाई जैसे हमारे पास जो होशियार लोग हैं, वो अगर आकर अपनी अमाउंट करंट अमाउंट से ज्यादा डाल दें तो भाई आपका एटीएम वही एक मैसेज शो कर दे, इनसुफिशियंट बैलेंस। एग्जाम्पल मैंने ये करके दिखाई थी, हटा तो नहीं दी, जल्दी से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको तीसरी चीज भी समझ आ जाए। रिकॉर्डिंग में आपके पास होमवर्क, आपको दोबारा आप रिव्यू कर सकते। विड्रॉ एंटर अमाउंट, यहाँ पे मेरे पास जो करंट बैलेंस था वो 10000 था, मैं 20000 विड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये वाली चीज चल रही है, जबकि होना ये चाहिए, यहाँ पे लिखा आना चाहिए इनसुफिशियंट बैलेंस। तो ये आपका छोटे से होमवर्क है, उसको करके आप लिंक्डइन पे डालें। जी सर, बहुत ही, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जबरदस्त हमजा भाई, आपने एक नया अप्रोच दिया है टीचिंग स्टाइल को, कि डायग्राम बनाकर, एक जाहिर सी बात है स्टोरी टेलिंग और डायग्राम ना चीजें फिट हो जाती हैं माइंड में, तो अगर आप बाद में भी देखोगे इसके बाद भी देखोगे तो आपको ना डायग्राम से ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। कोड तो देखें पहली बार में कोड पूरा 100% कभी भी समझ नहीं आता, हम बोलते हैं आपको 20% 30% 70% समझ आएगा, और बाकी का जो आएगा जब आप खुद कोड करेंगे, और जब आप खुद कोड करेंगे तो जाहिर सी बात है जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे चीज़ें समझ आती जाएंगी। इवन अगर मैं 7 8 साल से कोडिंग कर रहा हूँ ना, अभी भी मैं नहीं कह सकता है, और मैं क्या कोई भी नहीं बोल सकता है कि उसको 100% कोड समझ में आता है, हमें 70 60% समझ में आता है, और यही रीज़न है कि हर किसी का एक अलग कॉन्सेप्ट है बताने का भी स्टाइल भी, लेकिन जो डायग्राम वाला स्टाइल है ये तो भाई वेरी वेल, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। तो सर हाँ ये यार आप ये हमजा जो है ना, अभी मैं हाँ पाकिस्तान में, अगर हमारे हर जगह टीचर्स हैं, प्रेसिडेंशियल प्रोग्राम में भी और गवर्नर के प्रोग्राम में भी, तो दो तीन बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट हैं। एक हमजा है कराची में, और फिर एक जुनेद है लाहौर में, फिर उस्मान और वानिया है इस्लामाबाद में, जहाजेब भी लाहौर में बहुत ही ज़बरदस्त है, फिर खुबैब है पेशावर में, फिर अबू हुरैरा और नवीद हैं फैसलाबाद में, मगर हमज़ा माशाल्लाह एक इसको एडवांटेज है कि ये सबसे सीनियर भी है, तो उससे थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी इसको ही है, मगर इससे अच्छा टीचर अभी पूरे पाकिस्तान में और कोई नहीं है। बहुत सारे इसके करीब हैं मगर इससे आगे कोई भी नहीं है। जी जबरदस्त, सर, आज के दिन खत्म करते हैं मेरे ख्याल से, लोग आज के जा रहे दिन हैं। बिल्कुल हम एंड एंड की तरफ जाते हैं। सर एक बार आप कोड दिखाएंगे अपना हाँ मैं कुछ दिखा देता हूँ। कोड? हाँ अभी आप लोगों को समझ तो आ गया होगा एटीएम बनाया, और मोस्टली लोगों ने एटीएम यूज करा होगा, अगर किसी ने नहीं यूज करा तो
तो आप अपने घर के बाहर जाएं, कोई ना कोई बैंक का बोर्ड लगा होगा, उसके नीचे एक एटीएम लिखा होगा, तो बिल्कुल उसी एटीएम का हमने ये सिस्टम बनाया है। तो प्रोग्रामिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं कि आप किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को समझना और उसको कोड में कन्वर्ट करना, मतलब कोड के थ्रू सॉल्व करना। तो हमारे पास आज की क्लास में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो दो थी, एक आपके पास इंक्वायरर था और दूसरा आपके पास कंडीशन स्टेटमेंट्स थी। तो इंक्वायरर का मतलब जहाँ से आपने इनपुट लेना है, सवाल पूछना है, उसका जवाब लेना है। कंडीशन स्टेटमेंट जहाँ पर आपने डिसीजन मैनेजमेंट करनी है। अब आप एटीएम पे गए, वो भी डिसीजन मैनेजमेंट कर रहा है ना, पहले आपने अपना कार्ड इंसर्ट करा, फिर आपने अपना पिन नंबर डाला, हो सकता है फिर गलत डाल दें, हो सकता है आपका कार्ड कोई गलती से ले गया हो, किसी और का कार्ड, तो उसको भी तो डिसीजन मैनेजमेंट करनी है, पिन सही डाला या पिन गलत डाला, तो वहां पर सर अंदर नहीं फैसला आया, फिर उसको आगे डिसीजन मैनेजमेंट ये करनी है, भाई अब पिन तो करेक्ट हो गया, अब आगे करना क्या है, पैसे निकालने हैं, तो पैसे निकालने की जाहिर सी बात है अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, तो जो बैलेंस था उसके मुताबिक उसने पैसे निकालने के लिए ट्राई करा। अब आप ये करें, आप जितना कोड लिखें अच्छी बात है, और उसके बाद ना अपनी प्रैक्टिस को फॉलो करें, सोचें एटीएम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और मल्टीपल ट्राई करें, टेस्टिंग मेक परफेक्ट ना, जिस तरीके से सोफा बनाते हैं ना, तो आप नॉर्मली डेवलपर हैं तो अगर आप सोफा बनाएंगे तो आप उस पर नॉर्मल बैठ के देखेंगे, लेकिन अगर आप किसी और को देंगे तो बस वो हल्की भी चेक करेगा कि भाई ये सोफा कितना लॉन्ग लाइफ चलेगा। तो अपने कोड को पर भी ना आप इस तरह की टेस्टिंग करें, मल्टीपल टेस्टिंग कर लें, सोचें अलग अलग तरीके, भाई पैसे नहीं हो तो क्या होगा, पैसे ज्यादा हो तो क्या होगा, अगर कोई और आगे गलत पिन डालते तो क्या होगा, अलग अलग सिनेरियो सोचें और उस पर इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करें। उसके अलावा जो बेस्ट प्रैक्टिस रमजान ने बताई है वो सारी फॉलो करें, तो ये सारा काम ना तो जबरदस्त हो जाएगा। कोडिंग इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई खतरनाक कोडिंग है, इसमें सिर्फ इफ एल्स बार बार यूज हो रहे हैं, इंक्वायरर और इफ एल्स बार बार यूज हो रहे हैं। तो होता है ना, वो आपने एग्जाम्पल सुनी है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, तो एक अंदर इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, उसके अंदर एक और इफ एल्स, इसी तरह इंक्वायरर पहले बाहर यूज हुआ, फिर अंदर यूज हुआ, फिर उसके अंदर यूज हुआ, तो ये प्रोग्रामिंग है भाई, इसमें यही चलता है, ऐसा ही होता है। आप लोगों से उम्मीद मैं करता हूँ भाई, आप लोग एटीएम मशीन बनाओगे और एटीएम मशीन में पैसे भी रखोगे और उसको निकालोगे भी, और उसका एनपीएक्स टूल बनाना, गिटहब पे रखना, सारे काम करना, और साथ साथ एक काम और करना कि एटीएम मशीन दूसरों से शेयर भी करना, हमारे से भी करना, दूसरों से भी शेयर करना, ताकि हम भी आपके एटीएम से पैसे निकाल सकें। और ये एक और काम करना है कि पब्लिश भी करना है एनपीएक्स पे। सही जी चले, है, सही है, ओके। इस नहीं सेशन सर कोई मैसेज है भी आपकी तरफ से? जैसल बस खत्म बात हो गई। बाय। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जबरदस्त नहीं यार, आई एम गुड, मजा आया क्लास में। अच्छा, मुझे और बहुत सारे हमारे लोग जो है ना रिपीट करने का कह रहे हैं, तो भाई उनके लिए ये भी है, फिर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप 10 दफा रिपीट करके देखिए। मोहम्मद हमजा और एहसन, आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं सर, सारा ठीक है। चले, बहुत ही वैसे तो जबरदस्त सेशन रहा हमारा, उम्मीद करता हूँ जिनको रिपीट करना है और वीडियो का रिपीट देख लें तो बिल्कुल अभी फिलहाल तो यही कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि क्लास में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और क्लास में सब पढ़ाया जाएगा आपको ना, बिल्कुल कोई नहीं घबराए कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी जिंदगी में इतनी चीजें आ गई, मैं तो एटीएम तक पहुंच गया, अभी तो मैंने 1 महीने पहले हेलो वर्ल्ड करा था, अब मैं एटीएम बना रहा हूँ, तो भाई बनाओगे तो कुछ नजर आएगा ना। कोडिंग जो है आपकी कब अच्छी होती है, जब आप ट्राई करते हो। मैं क्या बोलता हूँ, कोडिंग जो ना आप दिमाग को बाद में सिखाते हो, पहले आप अपनी उंगलियों को सिखाते हो, फिंगर्स को, और वो कैसे आती है, कोड करने से, कीबोर्ड पे इतना प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि आपकी उंगलियों को आपका कोड याद हो जाए, सही आपको याद होना हो, तो ये काम जब ही होगा जब आप कोड करोगे, तो कोड करो, ट्राई करो। और सबसे पॉजिटिव बात हमने क्या कही थी शुरू से, एरर आना, जब एरर आना तो खुश हो जाओ, बहुत खुशी क्या जो ना फील करो कि मेरे पास एक एरर आ गया, मैं एक नई चीज सॉल्व करूंगा, तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही एरर से होती है। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को उन्हें ज्वाइन करा। अगली क्लास जो हमारी होगी वो ठीक गवर्नर हाउस के मेन पेज पर होगी, आज हमारा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारा इवेंट पता नहीं क्यों कैंसिल हो गया, तो मुझे क्विकली अपने पेज से ही, अपने पर्सनल प्रोफाइल से इसको लाइव करना पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह अगली क्लास गवर्नर हाउस के मेन पेज से होगी, आप लोगों को पहले अनाउंसमेंट शेयर कर दी जाएगी, जो डेज आपको बताए गए उसी डेज पे हमारी अनाउंसमेंट होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे, बीच में जागने की रात आ रही है रमजान की, तो सिर्फ जागने की रात वाले दिन की अनाउंसमेंट हम नहीं करेंगे, तो वो आप तक तो पहुंच जाएगी, कोई मसला नहीं है, या आपको खुद भी अंदाजा होगा अगर 25वीं शब है या 27वीं शब है, जो भी हमारे लूप में आ रही है स्केड्यूल के, मंगल और जुम्मा ये याद रखें, ट्यूसडे एंड फ्राइडे हम लाइव आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे आपको बिल्कुल भी, लेकिन अगर जागने की रात बीच में आती है तो वो वाला दिन हमें स्किप करना जरूरी होगा जाहिर है,
तो बाकी फॉर द बस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। लाफेज, थैंक यू सो मच।